सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदा श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदा श्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोजन में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताई भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। जब तक पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा कैसे भगवान होते हुए भी प्रभु ब्रज में बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी ठाकुर जी लीला कर रहे थे। बोले कृष्णा जब उन्होंने मक्खन चोरी की, मैया यशोदा ने कृष्ण को उखल में बांध दिए, कोई बात मत कर, इसलिए उन्होंने उखल में उनको बांध दिए। उखल में बांधने का बाद कृष्ण ने सामने देखा दो वृक्षा है जिसका नाम था जमज जमज वृक्षा है अर्जुन वृक्षा है। कभी ये नारद जी की अभिशाप से कभी ये अर्जुन वृक्षा प्राप्त किए थे। नारद जी ने वर दिया था जब भगवान कृष्ण द्वापर में अवतीर्ण होंगे उनकी चरण स्पर्श से उनको मुक्ति मिलेगी, इसलिए नारद जी की वाक्य को रक्षा करने के लिए ठाकुर जी मैया उखल में बांध दी। सखाव ने पीछे से वो उखल को धक्का मारते रहे। कृष्ण जब वो दोनों वृक्षों को बीच में होते हुए चले गए, थोड़ी सी ताकत लगाया तो उनके दोनों वृक्षों को तोड़ दिए। तोड़ते ही वो पूर्व जन्म में स्वर्ग के जो कुबेर है उनकी दो बेटे थे, एक नाम नल कुबेर और एक नाम मुनि कुबेर। कहते ये वृक्ष जन्म क्यों प्राप्त किए थे, क्योंकि कुबेर का बच्चे है ना स्वर्ग के जो कुबेर है जिसके पास पैसा पैसा, कभी कभी ये पैसा बड़ा अनर्थ लगता है। ये पैसा खाना ज्यादा शराब पी करके स्वर्ग के लड़कियों को लेकर के नंगे होकर के पानी में जल विहार कर रहे थे। देखो ये पैसा आ जाए ना, इसलिए कहते ना लक्ष्मी पैसा होता तो लक्ष्मी, लक्ष्मी का वाहन कौन है, बोले उल्लू। घर में जब ये लक्ष्मी आती है वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है। अगर अपना भोग के लिए पैसा कमाओगे घर में लक्ष्मी आए बोले क्यों भोग करेंगे, तो लक्ष्मी कहती है तुम भोग कर दो, मैं नारायण की अगर भोग के लिए बुला रहे हो, फिर वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आएंगे और हमें सब उल्लू और जितने दुख कष्ट देते हैं। लेकिन हमने पहले सुना था लक्ष्मी की और एक बहन है, कौन है, गरुड़ जी। लेकिन आप देखना गरुड़ को ऊपर में मां लक्ष्मी कभी अकेले नहीं बैठी होगी, देखना लक्ष्मी नारायण दोनों बैठे। इसका मतलब है क्योंकि लक्ष्मी के बगैर कुछ भी नहीं होता है, पैसा के बगैर कुछ होता है, पता पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन पैसा को बुलाओ। लेकिन पहले ये समझो ये पैसा है कौन, पैसा लक्ष्मी, अब लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी किसकी, नारायण की, लक्ष्मी किसकी, अगर तुम नारायण की सेवा के लिए लक्ष्मी को बुलाओगे फिर लक्ष्मी उल्लू को ऊपर पीठ पर बैठ के नहीं आएगी, फिर वो गरुड़ों को पीठ पर बैठ कर आएगी। ये गरुड़ कहाँ पर है, वैकुंठ में। अब देखना जितने विष्णु मंदिर होगा ना सब मंदिर में गरुड़ जी को देखो, इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ। लेकिन क्यों बुलाओ, ठाकुर की सेवा के लिए, इसलिए बोलो किसलिए बुलाओ, ठाकुर की सेवा के लिए, खाने के लिए नहीं। इसलिए घर में जो खाना बनता है सबसे पहले इसको क्या करो, ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाओ। कर लक्ष्मी क्या हो गया, ठाकुर जी की, ठाकुर जी की सेवा में लग गई। माता जी बीच में को बोलना नहीं पड़ेगा, इसलिए ठाकुर को पहले सेवा लगाओ, ठीक है ना। देखो सात दिन तक कथा सुनोगे कुछ ना कुछ तो लेकर के जाओ, ऐसे में खाली झोली में आए तीन तीन घंटा बैठे और मैं भी तीन तीन चार चार घंटा मैंने भी कथा सुनाई। देखो हम साधु है, हम कुछ देने के लिए आपको आए, हाँ कथा बड़ी कड़ी लगी थी आपको, जैसे किसको एलोपैथिक मेडिसिन खा लो कड़वी ना मीठा है, कड़वी है लेकिन जब अंदर में जाती है ना वो क्या करती है तुम्हारे रोग को वो दूर कर देती है, लेकिन लगती है ऊपर से कड़वी, लेकिन अंदर में जाए तो क्या करती है
रोग को तुम्हारी नष्ट कर देती है। इसलिए जो कुछ खा ठाकुर जी को भोग लगाओ, लेकिन भोग तभी लगा सकते हो जब प्याज लहसुन नहीं खाओ। अगर प्याज लहसुन खाओगे तो ठाकुर को भोग में नहीं लग सकती। इसलिए इतना कोशिश करना प्याज लहसुन को क्या करने के लिए, त्याग देने के लिए, ठीक है ना। भगवान के लिए हमने बहुत कुछ तो त्याग देते हैं, लेकिन इतना कोशिश कर ठाकुर की वजह से प्याज लहसुन को छोड़ देंगे। अब जो कुछ खाए ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ। इसलिए फुगेरे का बेटा है ना, फुगेरे और होने के लिए ये पैसा अनर्थ करवाता है, लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगा तो फिर अनर्थ नहीं, ये भगवत प्राप्ति किए कारण बन जाती है। इसलिए फुगेरे का बेटा ज्यादा पैसा है, इसलिए शराब पी करके, मांस खा करके, मदिरा पी करके, स्वर्ग का अवसरों को ले करके, ये उलग्न होकर के जल विहार कर रहे थे। जब श्री नारद जी आए, उधर से नारद जा रहे थे, देख करके तो नारद जी को बड़े आंख लाल लाल करके, बोले बाबा का कोई ध्यान नहीं है, हम यहाँ मस्ती ले रहे हैं, उसको कोई रास्ता नहीं मिला और इधर से आया है। उन्होंने नारद जी को ना बड़े क्रोधित होकर देख रहे थे। नारद जी ने देखा, हाय रे कहाँ स्वर्ग की कुबेरे का बेटा, और देखो कितने गंदे काम करते, और कोई साधु आ जाए तो क्रोधित होकर देख रहे हैं। इतने में उन्होंने उनका अभिशाप दिया, बोले जाओ, जैसे तुम नंगे हैं ना, नंगे कौन रहते, ये वृक्ष रहते, जाओ वृक्ष जड़ी को प्राप्त करो। जब बोलते ही ना वो प्यार से धीरे 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 वृक्ष बनने लगते हैं। आपको पता होगा जो वृक्ष जो भी है बड़ा कठिन जीवन है। अभी बारिश हो रही है, खड़े, लू बहती है, खड़े है, भूख फट जाए पानी नहीं मांग सकते, कोई उसको टहनियां काट लेते हैं, पत्ते ले लेते, बड़ा कठिन जीवन है। इसलिए जब देखा वृक्ष होने लग गए, जो नशा थी ना सारे नशा उसके उतर आए। उन्होंने नारद जी के चरण में गिर पड़े, बोले बाबा अपराध हो गया, माफ कर दो। संत दयालु होते बोले ठीक है बेटा, वृक्ष जन्म तो मिलेगा, लेकिन तुमको भगवान का धाम में गोकुल में ये वृक्ष जन्म मिलेगी। और भगवान जब द्वापर युग की सत्य युग की कथा, जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे, ठाकुर का चरण स्पर्श तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अभी नारद जी को, अभी भगवान को नारद जी का वरदान ही आता है, अभी भक्त का वाक्य रक्षा करनी चाहिए। बोले बच्चों एक काम करो, ये उखल को पीछे से धक्का मारे, और पीछे से धक्का मारे, जब धक्का मारे तो बीच में होते हुए गए, उखल अटक गया और थोड़ी सी खेसते ही दोनों वृक्ष दोनों तरफ में धराम करके गिरे, इतने जोर से गिरे जैसे कोई वज्रपात हुआ है। इतने में सारे ब्रजवासी इधर उधर भागने लग गए, और वो दोनों वृक्ष से, वो दोनों नाल को फिर मुनिगिरी के दोनों वृक्ष से निकले, निकल करके ठाकुर जी को प्रणाम किए, परिक्रमा किए, ठाकुर जी को स्तुति किए, बोले हे प्रभु हम दोनों को ये आशीर्वाद दो, जैसे ये दोनों हाथों तुम्हारी भक्त और भगवान की सेवा में लगे, जैसे ये दोनों आंखों से देखे तो ठाकुर जी को दर्शन करे, ये कानों में कुछ सुने तो ठाकुर को कथा सुने, और जब तुम्हारी संतों को देखे ना, जैसे ये सर अपने आप उछूंग जाए, क्योंकि आज हमें ये वृक्ष जीवन क्यों करोड़ों साल तक मिला, हमने नारद जी को देख करके हमने आदर नहीं दिया, उनको देख कर क्रोधित हो गया, तभी तो हमें वृक्ष जन्म मिला है। इसलिए जैसे संतों को देखते ही जैसे ये सर अपने आप उनके चरण में झोंक जाए, हमें ये आशीर्वाद को देख करके उन्होंने दक्षिण दिशा में चले गए। जब चले गए अभी दोनों वृक्ष गिरे, सारे ब्रजवासी एकत्र हो गए, इतने जोर से आवाज कहाँ से आई, इधर भागते भागते आए, और देखा नंद बाबा, देखा कृष्ण उखल में रस्सी में बंधे हुए। किसने बांधा था, मैया यशोदा ने, प्रभु जी बाद में सुनाएंगे कथा कैसे मैया ने उनको बांध दी। इसलिए उन्होंने मैया यशोदा, कृष्ण ने मटकी फोड़ दिया था, मटकी फोड़ने का वजह से उन्होंने उनको उखल में बांध दिया था। इसलिए इतने में नंद बाबा भागते भागते आए, हाँ करके देखा कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में पड़े हुए, अगर थोड़ी सी पेड़ इधर उधर गिरते ना, बस कृष्ण का राम नाम सत्य हो जाता। नंद बाबा जल्दी जल्दी आए, हाँ करके जल्दी जल्दी उन्होंने रस्सी को खोल दिया। आप देखना बच्चों का स्वभाव क्या जानते हो, अगर मैया ने थोड़ा डांट लगा दिया, अगर पिताजी ने अगर थोड़ी सी उसका आदर देते, प्यार देते, बच्चा रोना शुरू कर देता। मैया ने उखल में बांध दिया था, अभी पिताजी नंद बाबा जब आकर खोल दिए और पकेट से एक लड्डू निकाल करके दे दी, कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे।
नंदा बाबा ने पूछे ये बताओ तुमको बांधा किसने, बोले मैया। मेरे को खोला किसने, बोले बाबा। बोले बताओ तुमको मैया मैया करते रहे तो बताओ अभी किसको पास में रहोगे, बोले बाबा को पास में रहोगे। मैया को पास में नहीं जाओगे, मैया मेरे को मारती शासन करती है, अब तो मैं बाबा को पास में रहा करूँ तो इतने में मैया जैसा डाल दे। नंदा बाबा तो बड़े डांट ले जाए, अरे एक दो मटकी तो खड़ा होगा और तो कुछ नहीं, इसी वजह से इतना बड़ा दंड, इतने कष्ट करके हमने एक लाला को हमने प्राप्त किया और तुमने कुखल में बांध दिया। नारायण की कृपा से दोनों वृक्ष थोड़ी सी इधर उधर गिर पड़े, अगर लाला को ऊपर गिरते तो राम नाम सत्य हो जाता बेटा। लगता है तेरे को ये दही दूध मटकी में बड़े आसक्ति, तो इसको लेकर ला कर मैं कृष्ण बलराम दोनों भाई को लेकर जा रहा। नंद हुआ तो बड़ी क्रोधित होकर खूब डांट लगा, मैया यशोदा इतने दुखी हो गए, बोले हाय रे मैंने इन्हीं हाथों से कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया, इन्हीं हाथों से मैंने लाला को बांधा तो बांधा कैसे। बड़ी दुखी हुई मैया, खूब रोई। इतने में नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर गए, जिस गैया से दूध निकलता है ना तो बड़ा गर्म रहता है, धारा सुनो गैया से दूध निकालो देखना उसी दूध को पियो बड़ा मीठा भी लगता है, है? और मिश्री मिला करके दोनों बच्चों को उन्होंने दूध पिला दिया। ब्रह्मांड घाट में स्नान करके वापस आए और इधर क्या हुआ, मैया तो बड़ी दुखी होकर भजन भजन छोड़ दिए, आज लाला को मैंने बांध दिया, बाबा ने हमें डाली दिया नंदा बाबा ने, इसलिए उन्होंने बड़ी दुखी होकर कोने पर बैठ कर रो रहे। नंदा बाबा शाम को आकर घर के कोने में माँ बैठी हुई और एक कोने में नंदा बाबा बैठे हुए, दोनों गोद में कृष्ण और बलराम, घर में लड़ाई हो गई। अगर घर में अगर पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है पर उसको मीट मार कौन करता है, बीच में कोई एक व्यक्ति हो ना मीट मार। देखो पहले ऐसे होता था पूरा परिवार इकट्ठे रहते थे, है ना, इकट्ठे रहते थे। अगर कभी पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तुम्हारे परिवार में होती है, लेकिन जो बीच में रहते हैं ना फिर समझा बुझा देते हैं, फिर लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो गया, बच्चा कहीं काम में चला गया, बाहर नौकरी कर रहा है, वहां पर कोई है ही नहीं, दोनों ही पति पत्नी रह रहे हैं, पास लड़ाई होती है पति पत्नी, लेकिन बीच में कोई नहीं होने का नाते तो डाइवोर्स का स्थिति आ जाती है, ये चीज आ जाती है डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है। लेकिन पहले ये सब चीज नहीं होता था, क्यों नहीं होता था, परिवार को साथ में रहते थे, लड़ाई झगड़ा हुआ तो कोई बीच में मीमांसा करने वाले थे, हैं, इसलिए बोले अभी मीमांसा कौन करेगा, अभी बीच में रोहिणी, रोहिणी कौन, श्री बलदेव प्रभु की माँ रोहिणी है। अभी उन्होंने देखा दोनों में लड़ाई हो गई, अब तो मीट माट करना पड़ेगा, मतलब तभी ये मीट माट हो जाएगी, ये कृष्ण को मैया ने बांध दी थी इसलिए लड़ाई हुई। अगर नंद बाबा का गोद से कृष्ण को उठा करके मैया की जसोदा गोद में छोड़ देते लड़ाई खत्म हो जाएगी। इतने में मैया ने बलदेव प्रभु को बोले जाओ एक काम कन्या को लेकर के पिताजी की गोद से माँ की गोद में छोड़ दे, लड़ाई खत्म हो जाएगी। इतने बलदेव प्रभु गए, बोले कन्या चल मैया के पास में चल, उन्होंने हाथ जो पकड़े ना कृष्ण तो बड़े क्रोध में थे, गए झटका मारे तो वहीं पर बलदेव प्रभु गिर पड़े। इतने में रोहिणी बोले, बोले कन्या आज तो बड़े गुस्से में हो, बताओ माँ के पास में जाओगी कि नहीं, बोले नहीं मैया के पास में नहीं जाऊंगी, मैया मेरे को मारती है शासन करके, बाबा मेरे को प्यार देते हैं इसलिए बाबा के पास में रहूंगा। बोले ये बताओ अगर मैया के पास में नहीं जाओगे दूध कहाँ से मिलेगा, बाबा के पास में तो दूध मिलेगा, किसके पास दूध मिलेगा, मैया के पास में दूध कहाँ से पियोगे, बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला करके मिला दे। बोले ठीक है बताओ किसकी गोद में सो, देखना किसी से बच्चे का ऐसे स्वभाव है जब तक माँ की गोद में नहीं सोए ना नींद नहीं आती, बच्चे का स्वभाव है, हैं? इसलिए बोले बताओ किसकी गोद में सोओगे, बोले बाबा की गोद में सो जाऊंगा। बोले खेलोगे किसको साथ में, बोले दाऊ भैया ना, दाऊ भैया को साथ में खेलूंगा। बोले मेरे मैया के पास में नहीं जाऊंगा, बोले नहीं जाऊंगी मैया मेरे को मारती है। इतने में रोहिणी बोली अगर मैया की गोद में नहीं जाओगे, अगर मैया फिर ऐसे हो जाएगी, मतलब अगर मैया अगर मर जाएगी तो फिर क्या होगा, जब इतना सुने अगर मैया के पास नहीं जाओगे तो मैया मर जाएगी, फिर तो कृष्ण को रहा नहीं गया, फिर उन्होंने पिताजी की गोद से खड़े हो गए और मैया मैया करते करते उन्होंने सीधा माँ की गोद में लेट गए। जब मैया की गोद में लेट गए ना, मैया तो कन्हैया को गोद में पा करके फूट फूट करके रोने लग गए मैया जैसा। ऐसे ही ब्रज में कृष्ण बल की स्वलीला
आनंद कुंडे शोभा संग जंत माख्या प्रयात। ऐसे ही कृष्ण ब्रज में रोज रोज कुछ कुछ नई नई लीला करते थे, जिस लीला को देख करके ब्रजवासी पूरा उसमें डूबे रहते थे। बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय जय श्री राधे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। कृष्णा बड़े सुंदर सुंदर लीला कर रहे थे। जब ये जमला अर्जुन भजन हो गया, अभी सारे ब्रजवासी एक मीटिंग बुलाई। बोले देखो एक काम करते हैं, पहले तो पुतना आ गया, उसके बाद में कौन आ गया, सगड़ा सुर आ गया, फिर तृणाव्रत आ गया, एक को बाद में एक ये राक्षस लोग एक एक करके आते ही जा रहे हैं। अभी लगता है जो गोकुल है ना, ये हमारे रहने का लायक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष अपने आप टूट कर फिरने लगे, ये संपूर्ण प्रतिकूल हमारी हो गया, अभी हम गोकुल में नहीं जाएंगे। बोले बताओ कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये ब्रजवासी, ब्रज मतलब होता है जो एक स्थान पर नहीं रहकर ब्रज गतो, जहाँ पर चलती रहती है, ब्रज चलती रहती है एक जगह से दूसरे, दूसरे से तीसरे, क्योंकि जब घास खत्म हो जाती थी फिर वहाँ छोड़ करके और कहीं चले जाते थे। बोले कहाँ चले, बोले चलो हम वृंदावन चलते हैं। कहाँ चलते हैं, बोले वृंदावन धाम चलते ही पास में वृंदावन है, जहाँ पर यमुना नदी बह रही, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन है, जहाँ पर विधुवन निकुंज बने हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर स्थान है, गैया को खाने के लिए सुंदर सुंदर घास, बच्चों को खेलने के लिए सुंदर सुंदर मैदान, बड़ा सुंदर स्थान, इसलिए चलो सब वृंदावन धाम हम चलते हैं। इसलिए बोले आज ही चलते हो ठिंडरा पिटवा दो ब्रज में, आज हम सबके सब वृंदावन धाम चलेंगे। अभी जितने सारे ब्रजवासी तैयारी हो गए और जितने बड़े बूढ़े थे उनको बैलगाड़ी में बैठा दिया और सबके सब वृंदावन सबके सब चल पड़े। वहां पर इतना सुंदर वर्णना करते हैं, जब काली गैया चलती ना एक साथ लग रहा था जैसे कोई यमुना नदी बह रही है, जब सफेद गैया चलती थी लगता जैसे गंगा नदी बह रही है, लाख लाख गैया, नंद बाबा के अकेले तो 9 लाख गैया है, इसलिए सबके सब वृंदावन जा रहे हैं। जाते जाते बोले एक बैलगाड़ी में मैया यशोदा और कृष्ण बलराम माता रोहिणी, एक बैलगाड़ी में ये चार बैठे हुए, कौन कौन बैठे थे बोलो, कौन कौन बैठे थे, यशोदा रोहिणी, बताओ रोहिणी कौन थी, बलराम की माँ, कृष्ण और बलदेव, एक बैलगाड़ी में। अरे बैठो जहाँ जाएगा बिंदा में बैठ जाओ, आएंगे बाद में, बोले आगे बैठे थे जो पीछे आते हैं ना उनको पीछे बैठा, बीच में नहीं बैठा, बैठ जा बात मत करो, तुम बात कर रहे जहाँ जगह उन पर बैठ जाओ, पीछे बैठ जा जाओ, सबसे पीछे बैठो, पीछे आगे। इसलिए उन्होंने एक बैलगाड़ी में ये चार बचार बैठ करके एक बैलगाड़ी में जा रहे हैं। आप देखना बच्चों का जो स्वभाव है ना, जो चीज देखे उसको ही पूछे, कृष्णा हर बात बात में प्रश्न करते, बोले भैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें बड़े बड़े डाढ़ी है, बोले बेटा ये बरगद पेड़ है जिसमें बड़े बड़े क्या होता है इसको दाढ़ी जैसे उसको जड़ निकलती है, बोले लाला इसको बरगद पेड़ है, बोले भैया ये कौन सा पेड़ है जिसका सारे पत्ते हिल रहे हैं, बोले बेटा ये पेड़ है ये पीपल पेड़ है, बोले भैया ये कौन सा चिड़िया है
बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर आवाज निकाल रही, कहती है कौन सा चिड़िया है? बोले लाला ये कोयल है। बोले भैया भैया देख कितने सुंदर ये चिड़िया है, हैं जिसमें शरीर में बड़े रंग बिरंगे सब के सब चित्रकारी है। बोले बेटा इसका नाम है मोर, आप लोग मोर देखे हो? राजस्थान में बहुत मोर है। बोले भैया एक का तो पूछ, एक का पूछ नहीं। बोले भैया ये क्या है? बोले जो पूछ वाला है ना ये पुरुष है, और जो बिना पूछ के ये स्त्री है। बोले भैया एक दूसरे को क्या लगता है? बोले जो बिना पूछ वाली ये पूछ वाली की बहू लगती है। और थोड़ी दूर गए, जब थोड़ी दूर गए बोले भैया भैया ये कौन सा जानवर है जिसकी शरीर में बड़े सुंदर चित्रकारी? बोले बेटा इसका नाम हिरण। बोले भैया एक का तो सींग है और एक का सींग है। बोले भैया एक दूसरे को क्या लगे? बोले जो सींग ये पुरुष है और जो बिना सींग की इसकी इसकी ये बहू है। कहते भैया भैया सबकी बहू मेरी बहू कहाँ पर है? इसलिए मेरे लिए भी एक बहू ला दे, है इसलिए कृष्ण कभी मचलते हैं मैया मेरे लिए बहू ले आते। बोले कैसे बहू होनी चाहिए? बोले गोरी होनी चाहिए और मेरे से छोटी होनी चाहिए। अगर मैं कभी लड़ाई झगड़ा करते है ना ये पिता माता से शिकायतें नहीं करें और थाला भर भर कर मेरे को हरा भर भर कर खिलाए और भोली भाली हो झगड़ा करने वाली नहीं, एक बोले और दस सुना दे, ऐसे नहीं होनी चाहिए। नहीं तो संसार नहीं टिकती है, संसार घर नहीं टिकती है, हैं? अगर लड़ाई आपस आपस में वो एक दस बीस बोल कर क्या होता है? इसलिए क्या करनी चाहिए? जो स्त्रियों कृष्ण खुद कहते हैं जो स्त्रियों को थोड़ी सी मुंह बंद करके रहनी चाहिए, ऐसे नहीं पति एक पर दस बीस हमने भी सुना दिया, हम भी कोई काम है फिर संसार कभी टिक नहीं सकती है, है? वो संसार जैसे पति एक बोल दिया ना, पत्नी अगर सुन जाओ तो मेरे भी मौका आएगा, मेरे को भी सुना है आपस वापस क्या सिलसिला हट गई थी, कोई सुझाव मिले हम भी दो चार सुनाते नहीं। इसलिए हर समय क्या करनी चाहिए? हर समय दब करके रहोगे। देखो महाप्रभु कहते हैं अगर इसको भक्ति करना संसार में सुखी रहना है तो चार गुण तुम्हारे अंदर में आने चाहिए। कितना गुण है? क्या क्या? बोले तीन, घास सभी ज्यादा छोटा बने। जैसे घास के ऊपर पैर रखो देखना घास क्या करते हैं, सर पे नीचा कर देते हैं, लेकिन जो पैर उठाओ ना फिर सर को ऊंचा कर देते, नहीं नीचे कर ही रहा। पेड़ जैसे सहनशील होनी चाहिए, जैसे वृक्ष है देखना आप रास्ता में चल रहे हो देखा पेड़ में एक आम है उठाया पत्थर और मारे, मारे की क्या होगा? झट वो मारे तो उसको लेकिन उसने क्या करेगा? झट एक फल को दे देता है। रास्ता में चल रहे हो है देखा बड़ी धूप है कुछ बैठने के लिए नहीं, अगर उसका टहनिया तोड़ करके नीचे बिछा कर बैठ गया लेकिन वो पेड़ ये नहीं करता है तो मेरे टहनिया को तोड़ दिया तेरे छाया क्यों देगा? तभी ये पेड़ क्या करता है? छाया को दे देती है। और खुद इज्जत की इच्छा मत रखो और सबको यथा जो है इज्जत देते रहो। देखना जो संसार है ना वह सोने के संसार है, हैं? संसार में हरी भरी रहोगे ठीक है ना, इसलिए हर समय सबको इज्जत दे करके चलोगे बस घर तुम्हारी राम राज्य हो जाएगा। अयोध्या, अयोध्या मतलब क्या? जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता है ठीक है। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय, जय श्री राधे। इसलिए कहाँ पर पहुंचे ऐसे करते करते उन्होंने यमुना को पार किए, यमुना नदी पार करके उन्होंने वृंदावन धाम में एक स्थान है जिसको छठी करा कहते हैं, छठी करा जहाँ पर उन्होंने सठी मतलब होता है जहाँ पर सठी पूजन किया था और जहाँ पर सकट, सकट मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को अर्धचंद्र पर, अर्धचंद्र जैसे करके जिधर से हवा आती है, हैं? अर्धचंद्र पर करके वहीं पर ब्रज बलराम दोनों भैया थे, शरीर एकदम सुंदर शरीर था कृष्ण बलराम की। इसलिए जब उन्होंने बोले पिताजी घर में रहो और भजन करवा, आपको इतना परिश्रम करने का जरूरत नहीं, हम दोनों भाई बड़े हो गए अब ये सारे काम काज हम करते हैं। बताओ बच्चे अगर पिता को कैसे बोले पिताजी का मन कैसे लगेगा? बोलो खुश हो जाएगी ना, मेरे लाला कितने अच्छे हैं देखो, कहते घर में भजन करो आप बड़े बूढ़े हो गए हो हम अपना काम को संभाल लेंगे। इतने में नंद हुआ बोले इतने छोटे उम्र में क्यों जाओगे, हमारे घर में क्या दास दासियों का अभाव है? इसलिए कोई चिंता मत करो तुम घर में रहो, जरूरत नहीं गैया चराने का,
लेकिन कृष्ण इतने मचल गए, बोले मेरे कृष्ण का एक नाम गोपाल, क्या नाम है गोपाल, गोपाल मतलब क्या, गो मतलब गैया, पाल मतलब जो गैया को जो पालन करते थे, उनका इष्ट ही गैया है। बोले पिताजी हमारी यही बिजनेस है, हम गोपाल है, गैया का सेवा करना हमारे धर्म है, हैं? गैया सेवा करना हमारी धर्म है, इसलिए गो सेवा करने से क्या होता है, धर्म लगनी पड़ती है। गैया वो एक देवता, उसमें 36 करोड़ देवता गैया में, जब उन्हें 36 करोड़ देवता को उसमें उन्होंने स्थान दे दिया, उस समय लक्ष्मी और सरस्वती थी नहीं। इनको पता चला पितामह ब्रह्मा ने ऐसे एक जीव को उन्होंने सृष्टि किया जिसमें 33 करोड़ देवता जिसमें हैं, हैं? इसलिए अभी लक्ष्मी सरस्वती आए। बोले पितामह ब्रह्मा जी आप ऐसे जीव सृष्टि किया जिसमें 33 करोड़ का देवता है, हम तो बच्चे तो होते, हमें भी कई स्थान दो। बोले कोई स्थान नहीं, सब भर गया है, कई स्थान नहीं। बोले कोई स्थान तो दे दो। बोले दो स्थान तो है, लेकिन एक विष्टा और एक मूत्र है। बोले हमें वही देखो, इसलिए गैया की गोबर और मूत्र में कौन है, लक्ष्मी और सरस्वती। आप देखना जब ठाकुर को पंचामृत बनाते हैं उसमें गोपुत्र और उसमें गोबर गोपुत्र को मिलाते हैं, भगवान का अभिषेक कराते हैं। घर जब अपवित्र हो जाए हैं क्या करते हैं, गोपुत्र और गोबर से घर को छिड़काव करते हैं। अभी साइंटिस्ट लोग अभी ये चीज को, पहले तो ये सीमेंट का घर नहीं होता था, पहले मिट्टी का घर होता था। कौन कौन मिट्टी में घर रहे हो आप लोग, रहे देखना गोबर और गोपुत्र से क्या करते थे, घर पोताई करते थे, क्योंकि उसमें सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये पवित्र है। अभी साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके, हमारे मंदिर में एक बाबा है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट, नासा में साइंटिस्ट है, वो बाबा बने, अभी वहाँ देसी गाय रहते हैं, और उन्होंने जो गोबर से ना धूप है, धूप काटी, गोबर से साबुन बनाते हैं, गोबर से बहुत सारे मेडिसिन निकाल रहे हैं, और गोमूत्र, अगर ये कोरोना आई थी ना, अगर रोज जो जो गोमूत्र खाएगा, अब देखना कोरोना कभी भी आपको स्पर्श नहीं करेगा। ये रामदेव बाबा का भगवान वहां से और बड़े बड़े गौशाला से ये गोमूत्र है, इसको अगर गोमूत्र एक खेत खाओ, देखना कभी भी आपको कोरोना स्पर्श तक भी नहीं करेगा। ऐसे कोई बीमारी नहीं जो बीमारी के गोमूत्र से सही, कैंसर तक भी गोमूत्र से सही होती है, इतना। इसलिए कृष्ण बोले पिताजी हम ग्वाला है, देखो ठाकुर भी किसका सेवा करते थे, लेकिन दुर्भाग्य का जीव है, अभी लोग अभी गैया सेवा की, कुत्ते सेवा कर रहे हैं, किसके सेवा कर रहे हैं, कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, गैया सेवा नहीं कर रहे हैं। और घर का सामने क्या लिख देते, कुत्ते से सावधान, मतलब घर में कौन है, कुत्ते रह रहे हैं, इसका मतलब यही ना, घर में कुत्ते रह रहे, कुत्ते से सावधान। इसलिए हमारे, मैं एक गांव का बच्चा हूँ, हमारे गांव में ना वहां पर सभी घर में गैया होनी चाहिए, किसी घर में गैया नहीं होगा ना जब तू गैया नहीं पालते, कि गो सेवा से लक्ष्मी आती है, हैं? घर घर में गैया पालते थे, घर घर में गैया की सेवा हुआ करती थी घर घर में, और गैया हमारे गांव का था, इसका जो गोबर और गोमूत्र होता था उसको ही खेती में देते थे। अभी धीरे 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 खेती धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बोले क्यों, ये सबके सब जो मेडिसिन तरह तरह का है मेडिसिन व्यवहार कर रहे हैं, जिससे धीरे 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 खेती नष्ट होती जा रही है। लेकिन गोबर से अगर खेती करें ना, कभी भी खेती नष्ट नहीं होगा, जिंदगी भर को तुमको शस्य देती रहेगी, दूध देगी, दूध से सब कुछ दूध से बनती है। इसलिए भगवान स्वयं मचल गए, बोले गैया चरा बे नंद लाला, पहने फूल की भजन गाते हैं, गैया चरा बे नंद लाला, पहने फूल की माला। इसलिए भगवान मचल गए, बोले पिताजी हम गैया चराएंगे। नंद बाबा बोले ठीक है, अगर इतना मचल रहे हो, गैया चराने का जरूरत नहीं, कहीं मचल चरा जाओ, ज्यादा दूर नहीं, आस पास में जा करके घूम फिर करके, जैसे बच्चे होते ना खेलते कूदते ही, जा करके बछड़े चरा करके आ जाओ। मैया तो बड़ी दुखी हो गई, बोले लाला अगर तू चले जाओगे घर से बछड़े चराने के लिए, तेरे को देखे बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। कृष्ण बोले मैया मैं जब घर से बाहर जाता हूँ, बच्चों को साथ में खेलता हूँ, फिर तू धीरे धीरे कैसे धारणा करती हो। बोले लाला जैसे बच्चे लोग खेलते ना खिलकर जोर जोर से, कहते लाला जब बच्चों के साथ तुम खेलते हो तो किलकारी मारते रहते हो,
घर में बैठ बैठ करके वो किलकारी को सुन सुन कर मेरे मन को तृप्त मिलता है ना, मन को संतोष मिलता है मेरे मन को। बोले भैया कोई चिंता मत करो, मैं जितने दूर तक तो क्यों नहीं जाऊं, इतने जोर से वहीं से किलकारी मारूंगा तो घर में बैठ बैठ करके सुन तुमको सुनने को मिलेगी। इसलिए कभी अगर आप नंदगांव जाओगे वहां पर एक स्थान है जिसका नाम तेर कदम। क्या नाम है? कभी गए हो? कभी नहीं गए? आपका एक बार सब ब्रजमंडल घुमा देंगे, ठीक है? कौन जाएगा घुमाने? कभी कभी 10 दिन के अंदर में, वैसे हमारे मंदिर में एक महीना की परिक्रमा निकलते हैं, एक महीना में सब परिक्रमा करते हैं, लेकिन उसको अगर 10 दिन तक तो मतलब गाड़ी गाड़ी में जाओ, फिर 10 दिन अंदर में इस सारे ब्रजमंडल की परिक्रमा 10 दिन में पूरी हो जाती है। अगर कभी आपको इच्छा होगी हमारे श्री जयपुर से सुंदर गोपाल प्रभु और हमारे राहुल प्रभु जी, ये लोग चलते हैं, ये लोग चलते हैं, हैं? पूरा 10 दिन में ये ब्रजमंडल परिक्रमा करके पूरी हो जाता है। 84 जो ब्रजमंडल है, ये प्रभु का लीला स्थली, उसमें 84 क्रोश है। अगर ये 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा जीवन में एक बार जो कर ले, जो भगवान को हम भूल करके ये 84 लक्ष्य जो भी भ्रमण करते हैं, ये 84 लक्ष्य जो भी भ्रमण हमें करना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये ब्रजमंडल 84 क्रोश श्री ब्रजमंडल। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम लोग चलो परिक्रमा वर्तमान चलेगा। हाँ बताओ, जब वहां पर व्यवस्था माता जी अंदर में कहा जाती है, अंदर में जहाँ स्थान वहीं पर बैठ जाओ। इसलिए जब जयपुर से करेंगे फिर आप लोग हम खबर देंगे और आप लोग सबके सब आना। बोले गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बछड़े चराने के लिए गए, हठात फलसनी एक बकास रूप भेज दिया, ये बगुला के रूप धारण करते हुए आया और एक प्यार में बगुला देखना एक प्यार में खड़ा रहता है। इतने में सखाओं ने देख करके उनको समझ में नहीं आया, लगता है माने इंद्र ने किसी पहाड़ का पंख काट दिया कि गिर पड़ा है। इतने में वो देख रहा था कृष्ण सामने आए और हम उसको निकल ले। जब कृष्ण पास न आए इतने में बकासुर ने कृष्ण को तो पकड़ करके निकल गया। सखाओं ने बोले भैया ये बकासुर हमारे कृष्ण कन्या को खा गए और ये खाए और ये खाए और ये, इसलिए अभी भी ब्रज में एक का नाम है खायोरी। लेकिन जब उन्हें अंदर में ले लिया, कृष्ण अंदर में जाकर के जैसे किसी लोहे को गर्म कर देते हैं, एकदम गर्म जैसे हो गई, इतने में फिर उन्हें उल्टी कर ली। फिर जब खाने के लिए जा रहा था कृष्ण तो उन्हें चोंच को पकड़ चीर दिया। इसलिए अभी भी एक ब्रज में गांव है जिसका नाम चीरली। फिर भगवान कृष्ण उसको मार डाले, आकाश से देवताओं को पुष्पों की बौछार की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण बकासुर को मारे, भगवान ने शिक्षा क्या दिया? बोले भगवान की भक्ति करना चाहते हो, बोले भैया कपटता छोड़ना पड़ेगा, हैं? बाहर और एक भीतर एक नहीं, दोनों बराबर हो। जैसे बंसुरी
कृष्ण बंसरी क्यों बजाते हैं? बंसरी में दो गुण है। क्या गुण है? एक तो बंसरी के अंदर देखना पोला है, खाली है, और कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसरी वैसे बजती है। अगर हमारे अंदर में ये दो गुण आ जाए ना, फिर भगवान कृष्ण भी हमें बजाना शुरू कर देंगे। मतलब बाहर अंदर दोनों बराबर हो जाए, एक नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कृष्ण राम, भैया मेरे को छाल कपट ये मेरे को सुहाता नहीं, इसलिए मेरे पास में आया तो कपट छोड़ करके मेरे पास में आया करो। इसलिए आप बगुला देखे हो, कौन कौन बगुला देखे आप देखना, जब वो मछली पकड़ने के लिए बैठता है वो एक पैर में खड़ा रहता, एक पैर में क्यों खड़ा रहता है? बोले मछली को ये पता नहीं चले यहाँ पर कोई बगुला है। इसलिए राम लक्ष्मण जा रहे थे, इतने में राम ने लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण देखो ये बगुला कितना बड़ा तपस, एक प्यार खड़ा हुआ हिल तोड़ने तपस। लक्ष्मण गुरु तत्व तो सब जानते हैं, वो मतलब अंधकार, वो मतलब आलोक सब जानते हैं। बोले भैया ये कितना बड़ा सरीसी है ना, ये मछलियों को पूछे से बता दे, वो क्यों चुपचाप बैठा है, ये मछली को पता नहीं चले यहाँ पर कोई बगुला। अरे झट मछली आए ना, झट पकड़ के उसको वो निकल लेते हैं। इसलिए कपट ये है, इसलिए भगवान ये कपट को दूर किए। और कुछ दिन बाद में भगवान जब फिर गैया चराने के लिए जा रहे थे, इतने में अघास हुआ आ गया। ये बहुत बड़ा सांप बन करके आया था, मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था, इसको पता नहीं चले यहाँ पर कोई सांप बैठा हुआ। सामने जो छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे देख करके डर गए और भागना शुरू कर दिया, बोले लगता है कोई सांप मुंह फाड़ करके बैठा हुआ। जो बड़े बड़े सखा थे बोले इतना बड़ा कोई सांप थोड़ी हो सकता है, बोले फिर बोले लगता है विश्वकर्मा ने कोई विचित्र गुफा बनाया है, नहीं तो इतना बड़ा कोई थोड़ी सांप हो सकता है। बोले अगर सांप हो तो बोले चिंता क्यों करते हो, जैसे कृष्ण बकास रूप मार दिया कृष्ण इसको भी मार डालेंगे। बोले चलो लगता है कोई ये विचित्र कोई खिलौना, अंदर में चलते हैं। जब गए ये सांप का देखना, ये दो जीवा है, देखेगी नहीं सांप की दो जीवा है, और जीवा कितनी गुदगुदी होती है। जब अंधेरे में चल रहे थे एक सखा ने कहा भैया किसने कोई कारपेट बिछा कर रखा, बड़ी गुदगुदी लग रही है। हाँ और थोड़ी दूर गए बोले भैया इसमें दो रोड क्यों बना हुआ? एक ने कहा तेरे को पता नहीं, एक तो अंदर में जाने के लिए और एक अंदर से आने के लिए, और दांत बड़े बड़े खंभे जैसे। बोले ये खंभे क्यों डाल कर रखे हैं? ऐसे करते करते वो सांप ने श्वास को बंद करके बैठा हुआ था, पता नहीं चले हैं, लेकिन जब श्वास को छोड़ने लग गया, श्वास तो गर्मी होता है। बोले भैया गर्मी गर्मी हवा क्यों बह रहा है, गर्मी गर्मी हवा क्यों बह रही, और उसको बदबू आ रहा था। ऐसे करते करते सखा लोग का अंदर अंदर में जा रहे, ये अघास रूप देख रहा था कृष्ण सबसे पीछे, और अंदर में आते ही ना मुंह को बंद कर, बस खत्म हो जाएगा, हैं खत्म हो जाएगा। इतने में कृष्ण जब दूर से देखा, कृष्ण तो समझ गए भगवान, बोले ये तो अघास रूप बैठा हुआ हमको खाने के लिए। कृष्ण जोर जोर से चिल्लाए बोले भैया अंदर में मत जाया करो, ये अघास रूप है। लेकिन सखा तो अलग थे चल चुके। कृष्ण देखा एक साथ में मेरे को दो काम करना पड़ेगा, एक तो इसको मारना और ये सखाओं का उद्धार करना, एक साथ में कैसे करो। जब कृष्ण अंदर में प्रवेश किए, अपना शरीर को अपना विश्वरूप उन्होंने प्रकट किया, उसको मोह मोह में ठाकुर पूरा पूरा भर गए। जब मोह भर गए, मुंह बंद कब करेगा, खाली हो तभी तो बंद करेगा। कृष्ण तो पूरा उसको मुंह मुंह में ही भर गए। जब भर गए उसको गला में जाकर ठाकुर अटक गए, श्वास बंद हो गया और ब्रह्मतल फट गई, और उस कितने में उसने अपना प्राण को त्याग दे दिया। जब त्याग दे दिया आकाश में देवता के लोग देख रहे थे, हाहाकार कर रहे थे, क्यों? देखा भगवान स्वयं अंदर में चले गए, अभी क्या होगा। लेकिन जब उन्होंने अघास रूप मार दिया ना, सारे देवता लोग प्रसन्न होकर के स्वर्ग से पुष्प की बौछार की और कृष्ण की जयकार दिया। बोले श्री कृष्ण के नियार की जय, जय श्री राधे। कृष्ण अंदर में गए और अपना अमृतमय दृष्टि से सखाओं को पुनर्जन्म उन्होंने दिया। जब पुनर्जन्म दिया, जब उन्होंने जयकार दिया, अभी ये जयकार धीरे धीरे चलते चलते ब्रह्मलोक तक पहुंचा। पितामह ब्रह्मा जी सोचा कि आपस में ये जयकार किसकी दे रहे हैं, किसकी गुणगान कर रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी ये ब्रह्मलोक से उतर कर लिया, आकर के देखा कृष्ण का उम्र इतने छोटा बच्चा 5 साल का उम्र था और इतने बड़े दैत्यों को मार डाला। फिर ब्रह्मा जी क्या देखा,
जब ये अघासुर को मारे उसका शरीर से एक ज्योति निकला, वो ज्योति निकल करके कृष्ण का शरीर में लीन हो गया। ब्रह्मा तो बोले भैया ये बच्चा कौन है जिसको शरीर में ये ब्रह्म ज्योति भी लीन हो गया। थोड़ी सी आगे लीला दर्शन करने के लिए कृष्ण सखाओं को लेकर के अपना वन भजन कर रहे थे, कृष्ण का बछड़ों को ब्रह्मा जी चोरी कर लिया। सखा ने बोले भैया हमारे बछड़े कहाँ गए, हमारी बछड़ा कहाँ गई। जब जा रहे थे कृष्ण बोले तुम बैठो मैं देखता हूँ। जब कृष्ण उनको ढूंढने के लिए गए जो सखा लोग थे ना, ब्रह्मा जी इनको भी उठा करके लेकर के एक गुफा में उनको बंद कर दिया। कृष्ण ने देखा कि सखा कहाँ गए, देखा ये ब्रह्मा जी ये मेरे लीला को समझ नहीं पाए, इसलिए मेरे को परीक्षा करने के लिए उन्होंने बछड़े और सखा को भी चोरी की। फिर कृष्ण अपना शरीर से जैसे सखा बछड़े थे ना, कृष्ण ठीक वैसे ही सृष्टि किया। लेकिन इधर क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी ये सब काम करके अपना ब्रह्म लोक में चले गए, कृष्ण तो भगवान को सब जानते हैं, कृष्ण स्वयं ब्रह्मा में गए। अब ब्रह्मा ब्रह्म लोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं पहुंच गए ब्रह्म लोक में, और कृष्ण ब्रह्मा बन के उनका जो दरवान थे बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया घूमते हुए, अगर मेरे जैसे कोई रूप धारण करके आए अंदर में घुसने मत दिया कर। अभी कृष्ण ही ब्रह्मा बनकर बैठ गए ब्रह्मा के आसन पर। जब खुद ब्रह्मा वहां पर गए, उनका जो दरवान थे ना वो तो डंडे लेकर के ब्रह्मा जी को बुलाए, बोले प्रभु जी सही बोल रहे थे मेरे जैसे कुछ बहु रुपया तू कहां से आ गया, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए तू कहां से आ गया। ब्रह्मा बोले हे भगवान मेरे नौकर मेरे को भगा रहे, क्या बात है, फिर मेरे आसन को दखने किसने किया। ध्यान लगाकर देखा ना कृष्ण ही स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी का आसन को दखने के लिए बैठ गए। फिर ब्रह्मा गए और वहां से आए और गए वहां से आए और इसी जगत में हो गया एक साल। कितना दिन हो गया, एक साल, क्योंकि हमारी परमायु और जो ब्रह्मा को परमायु में फर्क है। जैसे हमारी जो 300 पल्सेट दिन हमारे जब होता है, ये देवलोक में एक दिन होता है देवता का लोक से, फिर उसको ऊपर जो भूर भुव मोह जन ऐसे बढ़ते बढ़ते बोले ब्रह्मा का जो एक दिन है ना यहाँ पर 1000 चतुर्युग यहाँ पर बीत जाते हैं, अरब खरब यहाँ पर साल बीत जाती है ब्रह्मा का एक दिन। इसलिए गए और आए इतने में इसी संसार में हो गया एक साल। ब्रह्मा जी देखा एक साल पहले जैसे प्रभु लीला कर रहे थे अभी भी लीला कर रहे। ब्रह्मा जी सोचे शायद मैंने जिन्हें बछड़े सखाओं को गुफा में बंद कर दिया कृष्ण साथ ले आए, फिर वहां पर गए देख नहीं वो तो सोए हुए पैसे, फिर यहाँ पर आए बोले पैसे। इतने में ब्रह्मा उसका ब्रह्मा का चार सर है, इधर दो और इधर दो। जब एक साथ में देखा भगवान ने उसको दिखाया हे ब्रह्मा देखो ये बछड़े सखा और कोई नहीं, मैं ही स्वयं बछड़े सखा बना हुआ हूँ, सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण 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 देखा। फिर तो ब्रह्मा समझ गए ये मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी ये कृष्ण है। फिर ब्रह्मा जी पूरा कृष्ण के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, अपना आंखों का आंसू से ठाकुर का चरण को अभिषेक करके फिर भगवान को उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर को स्तुति किया। हम कोशिश करेंगे दो तीन श्लोक उसमें सुनने के लिए, ये ब्रह्मा कौन है, बोलो ब्रह्मा कौन है, ये हमारी आदि पिता है, क्योंकि ब्रह्मा जी से भगवान से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मनु महाराज हुए, मनु महाराज से कितना 5 बच्चे हुए, 2 बेटे और 3 बेटी। फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ना ये संसार में हम सबके सब पिता हुए, इसलिए हमारे जो आदि जो पिता है ना ये कौन है, कहते आदि पिता से ही ब्रह्मा जी है। इसलिए ब्रह्मा जी माता जी उधर बैठो, माता जी उधर बैठो, भैया आप किसको इसलिए कहते ये ब्रह्मा जी हमारे आदि पिता है। इसलिए पिताजी जो कुछ बोलते हैं ना बच्चों को कल्याण के लिए बोलते हैं, कभी बच्चों का मंगल पिता कभी नहीं सोचते हैं, हर समय बच्चे का मंगल ही सोचते हैं। देखो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, अगर इतनी सी बात अगर नोट कर लोगे ना तुम्हारे जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा, बड़े से बड़े कष्ट भी आएगा वो कष्ट भी तुम पार हो जाओगे। देखो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले तत्व अनुकंपा सुसुमिक्ष मान भुजामि एवात्मकृतम विपाकम्। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर जीवन में जो कुछ आता है कभी दूसरों के ऊपर दोष मत लगाए,
क्या समझो, हमने जैसे कर्म किया वो कर्म के अनुरूप हम फल भोग रहे हैं। जैसे नीम का बीज हो बताओ वह कौन सा पेड़ आएगा? करेला का बीज बोगे, आम की गुठली बोगे, चीकू का बीज बोगे। इसलिए हम जैसे जैसे अब लोग रसोई बनाते हो घर में रसोई बनाते हैं, बनाते हैं देखना, कहीं हल्दी रखा हुआ, कहीं जीरा रखा हुआ, कहीं दाल रखे, कहीं चावल रखे, आपने जहां जहां पर जो जो चीज रखा है ना, जब आप हाथ लगाओगे क्या चीज आएगा? वही आएगा ना, क्योंकि तुमने ही वो चीज को वहीं पर रखा, तुमने ही वो चीज को रखा। जब हाथ लगाओ तो वही चीज आएगा ना, दूसरे चीज छोड़ी आएगी, क्योंकि तुमने रखा, तुमने आएगा तो वही चीज। इसलिए जीवन में जो कुछ आ रहा है इसी को ऊपर कहते हैं दोष मत लगाया करो, इसको ऊपर दोष मत लगाओ। क्या समझो, जीवन में जो कुछ आ रहा है अपना किया हुआ कर्म का फल आ रहा है। अगर जीवन में दुख आता है, देखो एक प्रश्न करता हूँ उत्तर दो, हम अपना पाप को नष्ट करना चाहते हैं ना पुण्य को नष्ट करना चाहते हैं? बोलो जोर से, पाप को। कोई भी पुण्य नष्ट नहीं करना चाहते, सब अपना पाप को नष्ट करना चाहते, लेकिन पाप नष्ट कैसे होगा? पाप दुख दे करके ही नष्ट होता है। अगर जीवन में कोई दुख आ रहा है तो ये समझो हमारे पाप खत्म हो रहा है, आगे हमारे सुख आने वाले, सुख आने वाले हैं, इसलिए पाप दुख देकर ही जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कभी भैया किसको पर दोष मत लगायो, जीवन में जो कुछ भी आए, हम कहते ना ठाकुर कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, ठाकुर हमारे पिता है, है? भगवान मंगल भवन अमंगल है, भगवान कभी हमारी अमंगल नहीं करेंगे, मंगल करते हैं। देखो एक छोटी स्टोरी सुन लो, सब चीज को याद रखना, इसलिए देखो कैसे भगवान, एक समय एक मंत्री और राजा दोनों शिकार खेलने गए, लेकिन जो मंत्री था वो बड़ा भक्त था, हर बात बात में बोलता था ठाकुर हमारे कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, भगवान हर समय हमारी मंगल करते हैं, और जो कुछ करते हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ मंगल है, उसमें अमंगल नहीं है। राजा शिकार खेलते खेलते उसका कनिष्ठ अंगुल कट गया, जब कट गई राजा ने मंत्री को बोले महामंत्री देखो मेरे अंगुल कट गए, इतने मंत्री बोले महाराज भगवान कभी अमंगल नहीं करते हैं, जो कुछ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ मंगल है। बोले क्या, जिंदगी भर के लिए मेरे अंगुल कट गई, तुम भेदो भगवान जो कुछ करते हैं मंगल के लिए करते हैं, भगवान अच्छे के लिए करते हैं। फिर मंत्री वही बोले, बोले भगवान तो अमंगल कभी कर ही नहीं सकते, वो तो मंगलमय है। बोले भगवान जो करते हैं मंगल के लिए? बोले हाँ। बोले मैं तेरा मंगल दिखाता, एक सूखा कुआ था, अंधकार कुआ, राजा मंत्री को धक्का मार के गिरा के बोले इसमें पड़े जाओ, अभी तेरा भगवान मंगल करेगा, सब मंगलमय करते हैं। राजा वापस आ रहा था, इतने में क्या हुआ, एक कोई डाकू का सरदार था, उसने माता जी से मनोविक्षेप की थी, माता जी घर में एक अगर बेटा हो जाएगा ना तेरे को एक नर बल दूंगा। अभी किसी कारण से घर में एक बेटा हो गया, अरे खुश हो गया, डाकुओं को बोले जो कोई मिले पकड़ करके ले आओ, माता जी को मैंने मनोदी रखा था। वो घूमते घूमते राजा मिले, अरे बड़े सुंदर लंबे चौड़े, बोले वाह मैया तो खुश हो जाएगी, बलि खा करके उसको पकड़ करके ले आए, ला करके राजा देखा ये भगवान ने किसको पास साथ में फंस लिया, मंत्री रहता तो युद्ध युद्ध कर लेता, मंत्री को फेंक करके आया, अभी क्या होगा। राजा तो छटपट छटपट कर रहे और उसको जो लकड़ी है ना उसमें गले को फंसा दिया, उसको ऊपर में तलवार उठाए, जब उसको गले को काटने के लिए जा रहे थे हठात उनको अंगुल कटा हुआ देखा, और अंगुल से एक बुद्ध खून टपक रहा था। नियम है माता जी को वही चीज बलि चढ़ती है जो एकदम निखुद हो, शरीर भरा होनी चाहिए, शरीर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर माता जी को वो बलि नहीं चढ़ सकती। देखा अंगुल कटा हुआ खून टपक रहा है, वो जो उठाया था तलवार तो छटपट छटपट कर रहा था, उन्होंने तलवार को नीचे कर दिया, बोले महाराज ये देवी की चढ़ने का लायक नहीं, क्यों, उसका अंग भंग है, इसका अंगुल कटा हुआ, ये देवी की नहीं चढ़ सकती, उसको छोड़ दे भैया तू जा। अभी उसको याद आया ये मंत्री जो बोल रहा था सही बोल रहा था, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, अगर ये मेरा अंगुल कटा नहीं हुआ होता मैं तो पूरा पूरा बलि चढ़ जाता। वो वापस आया, राजा मंत्री को जो कुएं में डाल के रखा था ना उसको निकाला वहां से, अंधकार कुआं से, बोले महामंत्री आज मेरे साथ में ऐसे ऐसी घटना हुई, तू सही बता रहा था, तेरी बात सही बात है, भगवान कभी अमंगल करते नहीं। राजा बोले मेरे मन में एक शंका है, बोले उत्तर तो, बोले बोलो।
बोले भगवान जो करते अच्छे करते हैं ना। बोले हाँ। बोले तब से लेकर के अभी तक मैंने तेरे को ये अंधकार कुआ में मैंने डाल कर रखा, भगवान ने मेरे कल्याण किया छोड़ दिया, लेकिन तेरा क्या कल्याण किया है? मंत्री ने कहा महाराज जी आपका कल्याण नहीं लग, कल्याण मेरा ही हुआ है। बोले कैसे? बोले अगर आप मेरे को कुएं में नहीं ढकल देते हम दोनों जाते, आपका तो अंगुल कटा हुआ आपको छोड़ देते। अरे मेरा पूरा की पूरा शरीर था, मेरे को मैया के सामने पूरा की पूरा बलि चढ़ा देते। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ये ब्रह्मा जी एक एक सूत्र हमें देकर जा रहे हैं। बोले देखो जीवन में जो कुछ आए अपना कर्म का फल मान करके भोग कर लो, लेकिन एक चीज भूलना नहीं, ये चीज को काट मान, ये चीज लेने का है, भगवान की भक्ति मत छोड़। जितने विपत्ति आ जाए भगवान भजन नहीं छोड़ना, लेकिन हम क्या करते हैं तो सुख में स्मरण सब करे, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर थोड़ी बहुत दुख आ जाए ना हम तो भगवान को भुगतना शुरू कर देते हैं, अगर थोड़ी बहुत सुख आ जाए ना फिर हम क्या करते हैं भगवान भगवान को इस तरफ में धर देते हैं। बोले पूजा पूजा करने की जरूरत नहीं। फिर कभी कभी क्या करते हैं है? जैसे प्रभु का भजन करते हैं, अच्छे तरह से सुनो चीज, ये काम का बात मत करो। इसलिए कभी कभी जैसे भजन कर रहे हैं, अगर कभी कभी थोड़ी बहुत धूप आ जाए ना खाना नहीं छोड़ेंगे, अपना घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन माला को छोड़ेंगे। बोले भगवान इतना भजन किया और ठाकुर जी हमारे साथ में इसे कहिए माला को पहले रख लेंगे, लेकिन अपना घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे, भजन को छोड़ देते हैं। ठाकुर हमारे साथ में इसे नहीं, ब्रह्मा जी के तो भजन कभी मत छोड़ो, भगवान की भक्ति मत छोड़ो, जीवन सारा दुनिया क्यों नहीं छूट जाएगा, भजन ही नहीं छूटेगा, अंतिम समय में भजन ही तेरे काम में जाने वाले और कोई चीज तेरे काम में जाने वाले नहीं है। देखो कभी कभी तो अच्छी बात को सुन लो, उसका जीवन भर के लिए इसको याद रखना। जैसे कभी कभी हम कहते हैं हम तो अच्छे काम करते हैं, लेकिन हमारी हमने किसको कष्ट कभी दिया ही, फिर जीवन में दुख कष्ट क्यों आता है? कभी कभी इसी विषय पर हम भ्रमित हो जाते हैं। ये चीज को समझो, दिमाग में बैठा लो, दूसरों को भी समझाना। देखना पहले पहले क्या होता, जैसे गेहूं की खेती होती थी, एक ड्रम होता था, वो ड्रम में गेहूं डाल देते थे और उसको जो नीचे है क्योंकि छिद्र होता था, जितना जरूरत उसको हम उसको निकाल करके अपना घर में आटा बना कर खाते थे। हैं? देखो एक प्रश्न करता हूँ, उसको उत्तर देना। जैसे इसी साल गेहूं की खेती की, लेकिन जो खेती है ना, जो गेहूं बड़ा नहीं हो करके उसका छोटा दाना हो, क्या हो? छोटा दाना, उसको छोटे दाना को अंदर में डाल दो। लेकिन दूसरी साल जब आपने खेती की और गेहूं बहुत बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी ऊपर से डाल दो। नीचे जब निकालोगे पहले कौन सा गेहूं निकलेगा, कौन बोले हाथ क्यों छोटा, क्यों आपने ऊपर से बड़ा डाला ना? हाँ देखो यही चीज को समझो, यही चीज को दिमाग में बैठाओ। कभी कभी हम सोचते हैं भैया हम तो किसी की बुराई किया ही नहीं, पर हमारे साथ में ये बुराई क्यों हुई है कभी कभी सोचते हैं ना। लेकिन देखो अभी तुम भगवान की भजन कर रहे हो, भजन का फल तुमको मिलेगा। ऊपर जो बड़े बड़े गेहूं डाल रहे हो वो गेहूं आएगा, लेकिन वो गेहूं कब आ जाएगा? जब छोटे खत्म हो जाए, क्योंकि तुमने जो डाला है ना, कौन सा गेहूं पहले डाले हो? छोटा डाले हो, लेकिन अभी तुम बड़ा डाल रहे हो, आएगा तुमको, लेकिन पहले छोटा खत्म हो जाए तब तो बड़ा आएगा ना। है? समझ गए कि नहीं? हाँ समझ गए। देखो और कभी कभी देखना, एक व्यक्ति मानो तीन मर्ण कर दिया। हमारे भारत का संविधान का संविधान के अनुसार जब एक व्यक्ति जब कोई मर्ण करता है आजीवन उसकी कारावास मिलता है, लेकिन उसने कितना मर्ण दिया? तीन। इसी जीवन में उसने एक पूरा सारा जीवन कारावास कर दिया, अभी उसको कितना बाकी रह गया? कितना रह गया? तो आप देखना कभी कभी कोई कोई व्यक्ति कुछ नहीं किया, लेकिन इसी गलत संगत में फंस गया, इसने नहीं किया, किसी ने मर्डर उल्टा पुल्टा किया, लेकिन ये व्यक्ति जेल में चला गया। ये कहता हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर हमें जेल क्यों जाना पड़ा? बोले भैया अभी तुम्हारी तो अभी बाकी है, एक तो भोग चुके हो, अभी तुम्हारे जीवन में तो अभी बाकी है, अभी तो है। इसलिए भैया जब हम कर्म करते हैं ना, सोच विचार करके हम कर्म, आप बंद करके कर्म नहीं करनी चाहिए, सोच विचार करके करो,
इसलिए कभी कभी कहते हैं ना, अगर किसकी भलाई नहीं कर सकते हो कभी किसकी बुराई मत करो, करते समय हजार बार सोच कर करो, हैं हजार बार उसको सोच कर करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर क्योंकि कर्म का फल देने वाले धर्मराज कौन है? धर्मराज यव महाराज है। वो तराजू से ना ठीक माप तोल कर देते हैं। देखना एक पिता की चार बच्चे होंगे, चार बच्चे का स्वभाव अलग होगा, रूप अलग होगा, नेचर अलग होगा, सब कुछ उसको अलग। चार एक पिता की तो चार बच्चे अलग अलग क्यों हुए? कारण है पिता का जन्म दिया, लेकिन कर्म अपना कर्म खुद लेकर ऊपर से अपना कर्म को लेकर गया है। हाँ देखो एक छोटी सी कहानी सुन लो, ये सही घटना है। ये पत्रिका में है गोरखपुर की पत्रिका में कथा है। केवल एक समय दो व्यक्ति बिजनेस करने के लिए गए, एक राजस्थान की सही घटना, राजस्थानी के एक व्यक्ति और बंगाल के एक व्यक्ति, सिलीगुड़ी एक स्थान है बंगाल, ये दोनों व्यक्ति बिजनेस करने के लिए गए। दोनों के पास में पैसा था, सोचा दोनों अगर मिल करके बिजनेस करेंगे तुम्हारे बिजनेस बढ़िया होगा। राजस्थानी के लोग अक्सर कर भक्त होते हैं, राजस्थान के लोग, इसने इसने विश्वास करके जो बंगाल का व्यक्ति था ना उसको पैसा दे दिया, दोनों मिलकर करें। लेकिन ये पैसा ऐसे की चीज है ना, ये बड़े बड़े व्यक्तियों का बुद्धि भी खराब कर देता है। उसने देखा इतना पैसा, इसने तो देखा नहीं उसने मेरे को पैसा, ये पैसा को मैं गायब कर देता हूँ, हैं फिर तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और इसको मैं मार डालूंगा। वो तो राजस्थान से आया, बंगाल सिलीगुड़ी आया, खड़गपुर आया है। इसने देखे कि उसने किया कि एक पकौड़ा वाला से बात किया, बोले देख बेटा तेरे को 1,00,000 रुपया मिलेगा, एक काम कर दोगे? बोले बताओ। बोले हम दो दोस्त को पकौड़ा खाने के लिए आए, और मेरे को तो बढ़िया पकौड़ा खिलाना, मेरे दोस्त को जहर मिला के खिलाना। बोले कोई चिंता नहीं, 1,00,000 रुपया मिलेगा। वो पैसा मैं आकर के ठीक वैसे कर दिया। जो कर दिया उसको पता अभी जहर का पकौड़ा खाया उल्टी होगा, उसको लेकर घर पे चले गए, उल्टी फुलटी इधर होते होते उसने प्राण त्याग दे दिया और कहीं उसको गायब कर दिया। लेकिन इतने में क्या हुआ, उसको एक बेटा हुआ, बेटा वो अच्छा बेटा हुआ, लेकिन जिस दिन से उसको बेटा की शादी हुई ना तब से उसने बीमारी में पड़ गया बेटा। लेकिन उन्होंने बहुत पैसा खर्चा कराया, लेकिन किसी तरह से वो सही नहीं हुआ। जब सही नहीं हुआ बिस्तरा में पूरा लेट गया, जब लेट गया अभी वो मरने वाला था, और शादी का दिन से ही खराब हुआ, पूरा परिवार चार तरफ में खड़े हुए चार तरफ में, अभी वो शरीर छोड़ेगा, ठीक मरने से पहले अच्छा आदमी से बैठ गया और अच्छे तरह से बात करना शुरू कर दिया। तब वो जो घर का जो मालिक था जिसका बेटा था, हैं अपना पिताजी को बोले देखो ध्यान देकर सुनो, ये व्यक्ति मैं राजस्थान का अमुक व्यक्ति, हम दोनों मिलकर के बिजनेस करने के लिए आए, हमने इतना पैसा इसको दिया, इसने सारे पैसा हड़प लिया और मेरे को जहर खिला के मेरे को खत्म कर दिया, इसलिए मैं प्रतिशोध लेने के लिए उसका बेटा बन करके मैंने आया। जितने पैसा हमसे लिया था चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, सारे ब्याज समेत सारे पैसा मैं खत्म कर दिया, लेकिन थोड़ा सा पैसा छोड़ दिया क्योंकि मेरी अंतिम क्रिया करने के लिए थोड़ा पैसा मिलेगा, थोड़ा पैसा चाहिए। उसको पूछो ये किया कि नहीं? बोला हाँ मैंने किया, मैंने ये काम किया। फिर उन्होंने बोले देखो, लोगों ने फिर प्रश्न किया, ये बताओ जब से शादी हुई तब से क्यों बीमार नहीं पड़ेगा? अभी तो जिंदगी भर के लिए विधवा हो गई ना, पर इसको क्यों दुख लेना पड़ा? बोले ये जो है मेरे को इसी नहीं पकौड़ी में जहर मिला कर इसी नहीं मिला, इसलिए जो कर्म है ना ये कर्म का फल किसको नहीं छोड़ता, इसलिए जब कर्म करो सोच विचार करके करो, ठीक है ना। और एक काम करो, ब्रह्मा जी कहते हैं क्या काम करो, भगवान की भजन करो। हाँ कि अगर कहीं बहुत पाप कर्म किए हो, बहुत पाप कर्म किए हो, अगर किए अगर अगर सही सही कोई भक्ति करता है ये पाप भी खत्म हो जाते हैं। ये पाप भी केवल प्रभु का नाम से ही, अजाब के देखो कितना बड़ा पापी था वाल्मीकि, पहले दशरथना कर था, लेकिन उसने केवल प्रभु का नाम ले लेकर के उल्टा नाम जपत जगह जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। जब वाल्मीकि को दशरथना कर को नारद बोले बोलो राम, बोलो 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 राम, लेकिन उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला, मरा मरा बोलते। अगर मरा मरा करते करते दशरथना कर वाल्मीकि बन सकता है, अगर हम सीधा प्रभु का अगर नाम करते हैं तो क्या हमारे उद्धार नहीं हो, जरूर उद्धार हो जाएगी। इसलिए क्या करो, भगवान जी नाम का आश्रय ग्रहण करो। और एक चीज और भी छोटी कहानी सुन लो, अगर कोई भक्ति करता है, अगर जीवन में तुम्हारी कष्ट आता है तुमको किस रूप में इसको लेनी चाहिए,
नेगेटिव रूप में चीज को नहीं लो, पॉजिटिव रूप में लो, नेगेटिव रूप में नहीं लो। बोले एक समय दो भाई थे, एक भाई तो खूब नास्तिक, नास्तिक समझते हो जो भजन नहीं करता, एक भाई आस्तिक जो भजन करता है। जो भैया आस्तिक है ना वो नास्तिक को बोलता था, बोले देख एक घर में दोनों रहते हैं, हैं दोनों अगर भजन करे तो बढ़िया से चलेगा, हैं इसलिए तुम भी भजन करो। भजन नहीं करता था, बल्कि जो भजन करता था ना उसको खिली उड़ाया करता था। बोले दीप भर किया सब माला लेकर हरे कृष्ण करते रहते हो और ठाकुर के सामने बेकार बैठते। एक दिन किया हुआ दोनों भाई निमंत्रण से जा रहे थे, जब जा रहे थे जो भजन नहीं करता था उसको सोने की मोहर मिल गया। उसने कहा देखा तू इतने राम राम कृष्ण कृष्ण करते तेरे को तो कुछ मिला ही नहीं और मेरे को सोने की मोहर मिली है। उसने कहा बात सही है। और थोड़ी दूर गए जो भजन करता था उसको प्यार में लोहे की सीख कर गई, खून बहने लग गया। बोले देख लिया तो इतने राम राम कृष्ण कृष्ण करते तेरे को क्या मिला, प्यार में सीख कर गई, अरे मेरे को क्या मिला सोने की मोहर। देख लिया ना ये सब भजन भजन बेकार है। वो इतना दुखी, इतने दुखी हो गया, ठाकुर जी दिन भर तेरा नाम लेते हो तू ऐसे सबके सामने वेजिटेरियन करते हो, दुखी हो गया। ठाकुर को बुलाया, ठाकुर जी आकाशवाणी थे, बोले बेटा ध्यान से सुना ये मत, सब जो भजन करते हैं उनको दुख दुख आता है, जो नहीं करते सुख मिलता है, देख ले सुन ले। इसको इसलिए सोने की मोहर मिली, ये पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किया था, आज का दिन तो उसको राज सिंहासन में बैठने वाला था, राज गद्दी मिलने वाला था। चूंकि वो मेरे भक्तों का चुगली करता है, मेरे भक्तों का द्वेष करता है, उसको गाली देता है, इसलिए सारे पुण्य मैंने खत्म कर दी और एक सोने की मोहर देकर छोड़ दिया। तेरी बात सुन, पहले जीवन में तू मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में फांसी तेरे को होने का था। चूंकि तू मेरे नाम लेते हो, भजन करते हो, मैंने धीरे 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 करके तेरे पाप को मैंने खत्म करते करते गया, खत्म होता तो केवल थोड़ी सी बात बाकी रह गया था। इसलिए मैंने किया क्या, तेरे प्यार में एक सी करवा करके छोड़ दिया बेटा। हैं अगर भक्ति करते हुए अगर थोड़ी धूप आ जाए ना, क्या समझो कोई बहुत बड़ा कोई दंड था, ठाकुर जी मेरे को थोड़ी सी दंड देकर ठाकुर जी छोड़ दिया। इसको याद रही, किसको किसको याद हो गई, हाथ उठा, कहीं हाथ नहीं उठाती। इसलिए देखो देखो हम इसलिए सब कथा सुनाता हूँ, जैसे आप लोग अगर किसको भक्ति के बारे में बताओगे कोई सब अलग अलग प्रश्न करते हैं, फिर आप उसको ये उत्तर देना, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब श्री ब्रह्मा जी भगवान को बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, हैं लास्ट में बोले हे प्रभु, जब प्रभु को स्तुति कर रहे थे लेकिन प्रभु खुश नहीं हो रहे थे, प्रभु तो सखाओं के साथ मस्ती से खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने प्रभु को इतने स्तुति किया लेकिन ठाकुर जी खुश नहीं हो रहे, लेकिन अभी तक तो मैंने ठाकुर को स्तुति किया, अभी थोड़ी ब्रजवासी भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। फिर उन्होंने बोले बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। बोले प्रभु ये ब्रजवासियों का महिमा हम क्या बताएं, अहो अहो, जैसे कोई आश्चर्य चीज देखते हैं ना, क्या आश्चर्य बोलते हैं। उन्होंने बोले ये ब्रजवासियों ने इसे कौन सा पुण्य की है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है, वो क्या कर रहे हैं, किसका सखा बन के जोटन डाल रहे ब्रज मैया अभी उखले में बांधती है, कभी गोपियां राधा रानी मान करे ना कृष्णा अपना बंसुरी रख देते हैं, मयूर मुकुट रख देते हैं, राधे मानते जाओ क्यों तुमने मान लिया। बोले इन लोगों ने इसे कौन सा पुण्य किया जो ये ब्रजवासी रूप में जन्म हुई। जब उन्होंने इतना बोले ना कृष्ण से मुस्कुरा गए, ब्रह्मा को पता चला भगवान का कमजोर काम है, कमजोर वहीं पर है। कहते भगवान से क्या कहते हैं, मेरी स्तुति मेरे सेवा से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरे कोई भक्तों को स्तुति भक्तों को स्तुति अगर कोई सेवा करे तो उसमें ज्यादा खुश हो जाता हूँ। उन्होंने बोले प्रभु अगर कोई कहता है अरे वही ग्वाला जो गया को पीछे पीछे दौड़ता था ना, हैं वो जो मक्खन चोरी करता था उसकी बात कह रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं पिता ब्रह्मा के राम रचार सर है जो दुनिया को मैंने सृष्टि करने वाला मैं करता हूँ,
क्या कह रहा हूँ, बोले पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन ये जो कृष्ण लड्डू गोपाल यहाँ बैठना छोटे दिख रहे हैं, छोटे के छोटे है ब्रह्मा जी कह रहे, लेकिन इसकी महिमा को दुनिया में कोई नहीं जान सकते, जिनकी एक एक लोक कूप में करोड़ करोड़ विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है, जिनकी एक एक लोक कूप में अरे ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी भगवान को चार परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान मंदिर उन्होंने तीन परिक्रमा करके जल्दी भागे, बोले क्यों भागे, बोले जितना समय रहूंगा ना प्रभु की लीला में व्याघात होगा, प्रभु की लीला में व्याघात होगा, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल जय जय श्री लाल, एक भजन सुनो, वृंदावन धाम पार रखे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार रखे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय श्री राधे। अज्ञानते मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। सभी बार हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो, हरे हम लोग श्री कृष्ण लीला श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव की मुखारविंद से। आज अंतिम दिवस है श्री भागवतम का और हरि अनंत हरि कथा अनंत। कृष्ण की स्पेशली बाल लीलाएं तो सुनने में इतनी मधुर लगती है कि कृष्ण लीला कभी शेष करने का मन ही नहीं करता, लेकिन समय की सीमा है अपनी, इसलिए थोड़े समय में जो गुरुदेव ने प्रसंग बतलाया था श्री दाम बंधन लीला उसी के विषय में थोड़ा सा कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार जब कृष्ण ने घर घर में माखन चोरी करना चालू किया, तब मैया यशोदा मनी मन विचार कर रही है कि कृष्ण को माखन चोरी करने की क्या आवश्यकता हो गई, क्या मेरे घर का माखन खट्टा बनता है, हो सकता है ये दासियां ये माखन अच्छे से नहीं मंथन करती, हो सकता है जावन ठीक से नहीं देती, तो इसीलिए माखन अच्छा नहीं होता, और कृष्ण को क्योंकि मेरे यहाँ का माखन अच्छा नहीं लगता तो इसलिए वो घर घर चोरी करता है। तो अभी दिवाली का दिन उपस्थित हुआ, दिवाली के दिन मैया यशोदा ने क्या किया, सभी दासियों को आज छुट्टी दे दी, आज घर में कोई भी दासियां नहीं है और मैया यशोदा स्वयं ही आज हरि मंथन के लिए नियुक्त हुई है। एकदा गृहदाशीषु नंद पत्नी यशोदा च निर्ममंथन स्वयं दधि कर्मांतरे नियुक्तासु। बता रहे कि यहाँ पर मैया यशोदा ने क्या किया, सभी दासियों को छुट्टी देकर निर्ममंथन स्वयं दधि, स्वयं ही आज दधि मंथन के लिए क्या करा है, उसने दूध निकाला है। आज दूध निकालने के बाद में रावजावन दिया है, रात में दही जमा के और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में मैया यशोदा उठ गई है, सुंदर स्नान करके श्रृंगार करके और अपने दधि मंथन करना आरंभ करेगी। कृष्ण अभी पालने में ही सो रहे हैं, मैया यशोदा के साथ में वहीं पर बिस्तर पर सोए हुए हैं और अभी मैया यशोदा दही मंथन आरंभ करने से पहले क्या कर रही है, सब तैयारी कर ली। दधि मंथन जब आरंभ करेंगी उस समय पर मैया यशोदा क्या कर रही है, बड़ी सी मटकी है अपनी सांस के समय की, बहुत बड़ी मटकी के अंदर पूरा दही एकत्रित किया है और जैसे पहले की महिलाएं करती थी ना, राई बीच में रख के रस्सी के द्वारा, किन किसने मंथन किया है, पहले घर में कभी मंथन करे हो दही का, देखो पहले की जो समय पे ऐसा होता था बहुत विशाल, और जब ये तो कृष्ण के समय की बात है, कृष्ण के समय पर तब बड़ी लोगों की आयु भी बड़ी लंबी होती थी, लोग के बड़ा दीर्घ कलेवर होता था, तो बहुत ही विशाल मटकी के अंदर मैया यशोदा ने दधि मंथन अभी आरंभ करेगी और वहां पर दधि मंथन करते करते मैया यशोदा क्या कर रही है, कृष्ण के बाल चरित का गान कर रही है, यानी यानी च गीतानी तद बाल चरितानी च, कि कृष्ण के जो कृष्ण ने सुंदर सुंदर लीलाएं करी है, कृष्ण ने किस प्रकार पूतना का वध किया, किस प्रकार उसने शकटासुर का वध किया, कृष्ण प्रकार कृष्ण ने माखन खाया था, किस प्रकार उन्होंने घर में चोरी करी थी, ऐसे सुंदर सुंदर कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसके पद्य लिखे हैं कवि कवियों ने, तो उन कवितों का गान कर रही है। मैया यशोदा ने भी खुद ने काफी रचनाएं करी है, तो उन सबका सुंदर गान करते करते गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती।
इस प्रकार सुंदर सुंदर कृष्ण के नाम का गुणगान करते हुए, कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए मैया यशोदा अभी दधि मंथन कर रही है। और मैया यशोदा का सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है श्री चक्रवर्ती पाद ने कि मैया यशोदा ने फूलों से अपनी वेणी का श्रृंगार कर रखा है। दधि मंथन करते करते उनके जो वस्त्र हैं, वस्त्र से क्या हो रहा है, पूरे शरीर में पसीना आने लगा है, परिश्रम हुआ है, पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदों से मैया यशोदा की अंगकांति और सुंदर लगने लगी है और सारे फूल जो हैं वो एक एक करके बिखरते जा रहे हैं, चरणों में गिरते जा रहे हैं, मानो सारे पुष्प भी आज मैया यशोदा की चरण वंदना कर रहे हैं कि हे मैया, तुम जिस प्रकार कृष्ण कीर्तन कर रही हो तुमने ही अपना जीवन सार्थक बना लिया है, कृष्ण कीर्तन से ही एकमात्र जीवन तुमने सार्थक कर लिया, इसलिए हम तुम्हारी चरण वंदना करते हैं। सारे पुष्प चोटी में से निकल निकल के और चरणों में गिर रहे हैं और परिश्रम करते करते मैया यशोदा ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, चूड़ियों से भी छन 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 शब्द हो रहा है। ये छन छन शब्द मान लो ऐसा लग रहा है कि कीर्तन करते हुए करताल बज रही हो, जैसे मीठी मीठी करताल मैया यशोदा की चूड़ियां बजा रही हो। अब जब दधि मंथन करते हैं, दधि मंथन करते हुए क्या होता है, राई जैसे दही में पड़ती है, शब्द होता है ना धिक 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 धिक, है ना, तो इस तरह से मानो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जब दधि मंथन का शब्द होता है बुलौनते वक्त, वहां पर ये शब्द क्या है, ये मृदंग है, ये साक्षात मृदंग का काम कर रहा है। और मृदंग कैसा शब्द करता है, धिक्तान धिक्तान धिक्तान। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये शब्द कैसा है, ये मृदंग, मृदंग कौन है, मृदंग साक्षात बलदेव प्रभु। ये सारे जो वाद्य यंत्र करताल मृदंग कांसर ये सब क्या है, ये स्वयं बलदेव प्रभु ने ही कृष्ण सेवा के लिए ये रूप धारण किया है। तो यहाँ पर मृदंग भी शिक्षा दे रहा हो, धिक्तान धिक्तान अर्थात जिसने कृष्ण कीर्तन नहीं किया, जिसने ये मनुष्य जीवन धारण करके कृष्ण कीर्तन नहीं किया उसके जीवन को धिक्कार है, उसके जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार कृष्ण कीर्तन करते हुए पूर्ण रूप से कृष्ण की लीलाओं में निमज्जित होके आज मैया यशोदा कीर्तन कर रही है। अभी कीर्तन करते करते कृष्ण की इस तरफ नींद खुल गई, क्योंकि नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया था ना, भगवान आप कहाँ विराजते हैं, भगवान क्या उत्तर देते हैं कि मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि हे नारद जहाँ पर मेरा कीर्तन होता है मैं उसी स्थान पर विराजमान रहता हूँ। मैया यशोदा पूर्ण रूप में निमज्जित हो गया और कृष्ण कीर्तन कर रही है, तो कीर्तन करने से भगवान तो अभी पलंग में सो नहीं पाए, भगवान की नींद खुल गई। अभी मैया यशोदा ने क्या किया है, पलंग थोड़ा ऊंचा है और कृष्ण क्या कर रहे हैं, अभी पलंग से नीचे उतरने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन अभी इतने लंबे नहीं कि पैर पूरी तरीके से जमीन पे टिक पाए, तो क्या कर रहे हैं, चद्दर पकड़ते हुए, जैसे छोटे बच्चे चद्दर पकड़ते हुए चद्दर को हाथों में दबोच के और उसके सहारे से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे उतरते उतरते देख रहे हैं जमीन ही नहीं आ रही है, बड़ी नीचे हो गई मानो जमीन, और ऐसे लटके हुए हैं बीच में, और एक बच्चा जैसे चेष्टा करता है धीरे 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 पलंग से उतरने की, वैसे धीरे धीरे नीचे उतरे और अंदर तक चद्दर छोड़ के और नीचे गिर गए। नीचे उतर के और क्या किया, अभी मैया को खोज रहे हैं, नींद से उठे ना बच्चे, नींद से उठते ही भूख लगती है, माँ को खोज रहे हैं। तो कृष्ण ने क्या किया, मैया को खोजते 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 और जहाँ मैया मंथन कर रही थी उसी स्थान पर आ गए। अभी यहाँ मैया की क्या अवस्था है, मैया तो भाई कृष्ण कीर्तन में निमज्जित है, कृष्ण कीर्तन करते करते गोविंद दामोदर माधव देति, गोविंद दामोदर माधव देति, गोविंद दामोदर माधव देति, गोविंद दामोदर माधव देति। कृष्ण कीर्तन करने में मैया इतनी नियुक्त है कि बाह्य आवेश ही नहीं है, कब लाला की नींद खुल गई, कब लाला उठ के पलंग से और मेरे पास में आ गया और कब उसके पास में चुनर पकड़ के खड़ा है, मैया को कोई होश ही नहीं। कृष्ण कीर्तन करते हुए दधि मंथन करते हुए वहां पर पूर्ण रूप में डूबी हुई है। देखो यहाँ पर बड़ी सुंदर शिक्षा भी दे रही है मैया यशोदा, किस प्रकार एक गृहिणी को काम करते वक्त क्या चिंतन करना चाहिए, हाथों में काम और मुख में राम। इसलिए वाल्मीकि ने क्या किया, श्री रामचरित मानस ने बताया है कि मुख से राम नाम और राम सेवा हाथ में, यही करना चाहिए क्या, हाथों से सारे घर का काम करते हुए और कृष्ण कीर्तन राम कीर्तन करने चाहिए, क्यों नहीं आलतू फालतू की बातें चल रही हो, है ना। यहाँ शिक्षा देती मैया यशोदा कि किस प्रकार सारी सेवा को, घर की जो भी सेवा है उसको भगवान की सेवा ही मान के और कृष्ण कीर्तन करते हुए वो सब करना चाहिए।
अभी कृष्ण ने सोचा कि जब तक मैं मैया की रस्सी, मैया की राई ना पकड़ लूं, ये जो बलोना है ये मंथन कर रही है, जब तक उसे ना पकड़ लूं तब तक मैया रुकेगी नहीं। तो कृष्ण ने अभी क्या किया है, सीधा जाकर और राई को ही पकड़ लिया। जैसे ही राई को पकड़ लिया और मैया का आंख खुल गई, बोले मंथन रुक गया। मंथन रुकते जैसे मैया ने आंख खोली और आंख खोली क्या देखा, सामने लाला है। लाला को देखते और उसे आलिंगन कर लिया, मैया को प्रेम उमड़ आया। बोले मेरा लाला तो बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि यदि मेरा हाथ पकड़ता तो कौन सा मुझे रोक लेता, यदि मेरे मटकी पकड़ता तो उससे मंथन भी नहीं रुकता। सीधा जाके रही पकड़ी है, ना रही मथी जाए और ना दूध का मंथन हो। इसलिए जैसे ही मैया ने कृष्ण को देखा उसे आलिंगन करके और अपना दूध पिलाना आरंभ कर दिया। अभी मैया कृष्ण को दुग्धपान करा रही है। दुग्धपान कराते कराते क्या हुआ है, कृष्ण दूध पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। दूध पान करते हुए कृष्ण ने क्या किया, एक तरफ मैया चूल्हे पर दूध चढ़ा के आई थी, वो चूल्हे पर दूध अभी उफन रहा है। अभी कृष्ण यहाँ मैया सोच रही है कि यहाँ पर कृष्ण को हटा के उस दूध की रक्षा करनी चाहिए, दूध अगर उफन गया तो सारी मलाई उतर जाएगी और उससे मक्खन नहीं होगा। तो मैया यहाँ सोच रही कि मैं दूध की रक्षा करूँ। और यहाँ पर दूध भी क्या सोच रहा है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण है अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक। कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके पेट में ही सारा ब्रह्मांड है। कृष्ण तो उनका पेट तो कभी भरने वाला है नहीं। और मैया यशोदा कौन है, मैया यशोदा है वात्सल्य की मूर्ति। माँ के स्तन में दूध कैसे आता है, वात्सल्य प्रेम से। तो मैया यशोदा का वात्सल्य भी अनंत है, तो ना ही तो कृष्ण का पेट भरने वाला है और ना ही माँ के स्तन में दूध कम होने वाला है। तो भैया मेरा जीवन तो सार्थक करना, मेरा जीवन तो व्यर्थ ही चला जाएगा। यहाँ दूध ही विचार कर रहा है, ब्रज में हर चीज चिन्मय है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं देखो, चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्त। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि ब्रज की हर एक वस्तु चिन्मय है। तो यहाँ पर दूध भी विचार कर रहा है चूल्हे पर उठता हुआ कि मैं तो कृष्ण की सेवा में लगूंगा नहीं, इसलिए मेरा ये जीवन करना, जीवन धारण करना ही व्यर्थ है। तो ये दूध क्या कर रहा है, उफन उफन के अभिमान आग में अपनी प्राण देने वाला है। तो यहाँ पर मैया यशोदा, यशोदा का अर्थ क्या हुआ, यश ददाती इति यशोदा, है ना, सबको यश जो प्रदान करती है। मैया यशोदा एक भक्त है। मैया यशोदा ने सोचा कि मैं तुझे सेवा में लगाऊंगी, मैं तुझे सेवा में लगाऊंगी, तुझे अपने प्राण त्याग करने की जरूरत नहीं। मैया ने क्या किया, कृष्ण को अभी हटाने की चेष्टा कर रही, बोले लाला तू दो मिनट रुक जा, मैं जाके चूल्हे से दूध उतार लूं, दूध उतार के और फिर बाद में तुझे दूध पिलाऊंगी। यहाँ पर कृष्ण दीन से तो उठ के आए थे और सोच रहे क्या, बोले मेरी नींद अभी, मेरा अभी भूख भी नहीं बढ़ी, आधा पेट भी नहीं भरा है और जाकर दूध को बचाना चाह रही हो, बोले नहीं मुझे पूरा दूध पिला के जाओ। तभी मैया ने क्या किया, अब यहाँ पर दूध उफन रहा है, इस तरफ दूध उफन रहा है, क्या करें। तो मैया यशोदा सोचती है कि दूध की रक्षा करनी पड़ेगी। मैया यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को एक हाथ से पकड़ा और यहाँ पर बिठा दिया और जाकर दूध के ऊपर पास में गई है, चूल्हे में दूध को छींटा दिया और दूध को उतार लिया। अब देखो हम श्रवण कर रहे थे, पूतना पूतना आई थी कृष्ण जब 6 दिन के थे। 6 दिन के बालक में कितनी शक्ति होती है, कुछ शक्ति नहीं होती, लेकिन उस बालक को पूतना जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था वो भी हटा नहीं पाई अपने स्तन से। लेकिन यहाँ पर मैया यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को एक हाथ से पकड़ के और बिठा दिया, कृष्ण को एक हाथ से पकड़ के बिठा दिया। यहाँ पर कृष्ण की आयु तो अभी और ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम के कारण कृष्ण इतने बंधे हुए हैं कि जैसे मैया नचाती है वैसे लाला नाचते हैं, वैसे लाला नाचते हैं। लेकिन पूतना के बालक में ये नहीं था, पूतना राक्षस स्वरूप, लेकिन राक्षस स्वरूप का, इसलिए वो ये काम नहीं कर पाई। जैसे ही मैया यशोदा ने दूध की रक्षा करने के लिए गई है, यहाँ पर कृष्ण को क्रोध आ गया। कृष्ण यहाँ पर क्रोधित होके सोच रहे हैं, बोले कितना दूध बचाओगी, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। वहां पर पास में एक वहां पर रखा था पत्थर, उसको उठा के और उन्होंने सीधा मटकी में मार दिया। मटकी में मार दिया तो क्या हुआ, वहां से दूध बहने लगा, दही बहने लगा, जो मैया मंथन कर रही थी सारा दही बह बह के बाहर आने लग गया। और दही बाहर आते ही कृष्ण जैसे छोटे बच्चे देखते हैं ना नाचते हैं, तो वैसे दही के अंदर पैर मार मार के और नाच रहे हैं। और नाचते नाचते अभी कृष्ण को विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो मैया आ गई, देखेगी कि मैंने मटकी फोड़ दी तो सारा डंडा पीठ पे पड़ेंगे। तो इसलिए क्या किया, कृष्ण ने वहां से भाग गए, भाग के और दूसरे कमरे में आ गए। अभी जैसे ही मैया यशोदा यहाँ पर आई है, देखा कि सारा दही फैला हुआ, मटकी फोड़ दी कृष्ण ने,
बोले आजकल तो इसकी हरकतें बहुत ही हद से पार हो गई है, अब तो इसको शासन करना ही पड़ेगा, बहुत उद्यमी हो गया है ये। तो मैया की ने क्या किया, कृष्ण को खोजते खोजते हाथ में छड़ी लेते हुए कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आ रही है। देखो चोर जब भी चोरी करता है ना निशानी जरूर छोड़ जाता है। कृष्ण ने जो खेल रहे थे दही के अंदर वही पैर की छाप पड़ गई और उन्हीं पैर से ही दूसरे कमरे में चले गए। मैया वही पैरों को देखते देखते धीरे 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 और दूसरे कमरे में पहुंच गई जहाँ पर कृष्ण क्या कर रहे थे, छीके के ऊपर से माखन निकाल निकाल के और बंदर और कौओं को खिला रहे थे। बंदर और कौओं को खिला रहे थे। यहाँ पर प्रश्न उठता है बंदर कौओं को क्यों खिला रहे थे, ये बंदर और कौवे कौन है? ये बंदर है साक्षात राम अवतार के अंदर जो हनुमान इत्यादि वानर थे। भगवान ने कहा कि देखो राम अवतार में तुम्हें वनवास में था, मैं तुम्हें कुछ खिला नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर क्या क्या कृष्ण अवतार में भगवान ने स्वयं बंदरों को मक्खन खिलाया है। और जो कौवे हैं, कौवे कौन है, ये काकभुशुंड के वंशज हैं। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, भक्तों की सेवा कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही मैया वहां पर धीरे धीरे आई है और कृष्ण को देखा कि माखन खिला रहा है वो भी बंदरों और कौओं को, फिर मैया ने क्या किया, आज तो इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। पीछे पीछे जैसे ही आ रही थी इतने धीरे 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 बंदर सब भागने लगे। बंदरों को भागता देखकर और कृष्ण सोच रहे थे ऐसा तो नहीं मैया आ गई, ये सब भागने क्यों लग गए। जैसे पलट के देखा और देखा तो क्या, मैया। कृष्ण ने तो वहीं पर ओखल से छलांग मारी और आज बाहर भाग गए, भाग रहे हैं। मैया यशोदा भी उनके पीछे पीछे भाग रही है, मैया यशोदा भी उनके पीछे पीछे भाग रही है और कृष्ण को पकड़ने की चेष्टा कर रही है। अभी आज दिवाली का दिन था, कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं घर से बाहर चला जाऊं, घर से बाहर तो सारे पुरुष होंगे तो मैया तो पर्दा करती है, मैया बाहर आएगी नहीं, तो इसलिए कृष्ण क्या चले गए, मेन द्वार से नंद भवन से बाहर चले गए। लेकिन आज दिवाली का दिन था, कल होगी इंद्र पूजा, तो इसलिए सारे पुरुष क्या गए थे ब्रह्मांड घाट पे मंत्रणा करने कि कैसे हम पूजा करेंगे, क्या सब करना है, तो इसलिए सब बाहर चले गए। और मैया यशोदा भी आज कृष्ण को पकड़ने के लिए, अपने लाला को पकड़ने के लिए स्वयं हाथ में छड़ी लेकर और पीछे 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 दौड़ रही है। कृष्ण आगे आगे, मैया पीछे पीछे, कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं। मैया भी वृद्ध है, मोटी भी है थोड़ी, तो भागते भागते हाँफने लगी और कृष्ण को जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही, बोले लाला तो रुक जा, तू रुक जा वरना मैं छड़ी फेंक के मारूंगी। कृष्ण यहाँ पर भयभीत होकर माँ से प्रार्थना कर रहे हैं और माँ से प्रार्थना करते बोले मैया मैं रुक जाऊंगा लेकिन तू मुझे मारियो मत। बोले तुझे मारूंगी नहीं, आज तो तेरी पूजा करूंगी, आज तो तेरी पूजा करूंगी। जैसे ही मैया ने भाग भाग के कृष्ण को पकड़ा है तो कृष्ण को पकड़ते ही और जैसे ही उनको छड़ी दिखाई अभी कृष्ण यहाँ पर रोने लग गए हैं। कृष्ण के आंखों से मानो गंगा यमुना सी बहने लगी है और श्री सत्यदेव जी कहते हैं, रुदंत मुहुर् नेत्रम् युग्मम् मृजातम् करम्बुज युगमेना रूप में वर्णन किया है कि कृष्ण यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रुदंतम मुहुर् नेत्रम युग्मम प्रजान्तम। कृष्ण जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, आज मैया के भय से भयभीत होकर रो रहे हैं। माँ ने जो आंखों में काजल लगाया था वो काजल भी आंसुओं के साथ में बह रहा है और काले काले आंसू गिरने लगे हैं और कृष्ण रोते रोते जैसे बच्चे सिसकते हैं ना तो गले में त्रिकंठी पड़ जाती है, तो ऐसे गले में त्रिकंठी पड़ रही है और मैया के भयभीत से इतने भयभीत होते हुए बोले, मैया मुझे मारना नहीं, मैया मुझे छोड़ दे, मैया आईंदा कुछ नहीं करूंगा, इस तरह से भगवान भयभीत हो गए हैं। अभी यहाँ पर मैया सोच रही है कि यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसका उद्यम तो और बढ़ जाएगा। तो मैया ने क्या किया, मैया ने कृष्ण को अभी ओखल से बांध रही है क्योंकि ओखल पे चढ़ के और छीके से माखन उतारा था और वो ही माखन सारे बंदरों को खिला रहे थे। तो मैया ने क्या किया, एक तूखल और एक ये उदूखल, इन दोनों को आज मैं बांध दूंगी। मैया ने क्या किया, अपने चोटी से रिबन निकाला और कृष्ण को अभी उखल से बांधने की कोशिश कर रही है। जैसे ही बांधने की चेष्टा करती है उस समय पर रस्सी दो उंगली छोटी पड़ जाती है। मैया ने सोचा और कहीं से रस्सी लेके और ज्वाइन करके बांध के मिला के फिर बांधने की कोशिश करी,
फिर वापस दो उंगल छुट्टी पड़ गई। फिर कहा और रस्सियों से कि रस्सी ले आओ, फिर रस्सी मिला के फिर बांधने की कोशिश करी। जब जब वही हमें बांधने की कोशिश कर रही है तब तब रस्सी दो उंगल छोटी पड़ रही है। अभी परिश्रम करते करते मैया के सुबह से शाम हो गई, लेकिन कृष्ण बंधने को ही राजी नहीं। कृष्ण बंध ही नहीं रहे हैं। आसपास की जो गोपियां थी सब देख देख के और कृष्ण का पक्ष लेते हुए मैया यशोदा का उपहास कर रही है। मानो बोले, यशोदे लगता है तेरे लाला के नसीब में बंधन नहीं है, तो इसको नहीं बांध पाएगी। मैया यशोदा भी यहाँ पर विचार कर रही है, बोले मेरा जाया, मेरे पेट से इसने जन्म लिया और मैं नहीं बांध पाऊंगी। मन ही मन भगवान नारायण से प्रार्थना कर रही है, बोले हे नारायण, आज ये सारी गोपियां मेरा इतना मजाक उड़ा रही हैं, आप मेरी रक्षा करो। ये क्या हो रहा है, सारे ब्रज की रस्सी छोटी पड़ गई है, लेकिन कृष्ण की वही छोटी सी कमर में आज बांध नहीं पा रही। मैया यशोदा ने जब इस प्रकार शरणागत होके और प्रार्थना करी है, उस समय पर कृष्ण ने क्या किया, दृष्ट्वा मातृबंधन कृपया आसीन स्वबंधन, माँ का जैसे परिश्रम देखा उस समय पर बंधन स्वीकार कर लिया। कृष्ण वही छोटी सी रस्सी के अंदर बंध गए। अभी यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब जब भी मैया बांधने की कोशिश कर रही थी दो उंगली छोटी पड़ रही थी। ये भैया ये दो उंगली क्या है, ये दो उंगली का क्या अर्थ है, हर बार दो उंगली क्यों छोटी पड़ रही थी। तब हमारे टीकाकार लोग यहाँ बड़े सुंदर रहस्य बताते हैं। देखो, दो उंगली क्या है, पहली उंगली है एक भक्त की चेष्टा, एक साधक की चेष्टा, और दूसरी उंगली है भगवान की कृपा। मैया यशोदा चेष्टा तो कर रही थी, सुबह से शाम तक लगी थी कृष्ण को बांधने के लिए, लेकिन सिर्फ खुद की चेष्टा से यदि हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक होगा नहीं। यहाँ पर देखो, एक दो उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, एक होता है मरकट न्याय और एक होता है मार्जव न्याय। जैसे आपने बंदर को देखा है, बंदर को देखा होगा ना, बंदर का बच्चा अपनी माँ को एकदम झपट के रखता है, पकड़ के रखता है ना। माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ से छलांग मारती है, लेकिन बंदर का बच्चा पूरा झपट के रखता है माँ को, कहीं पर गिर ना जाए, कहीं पर छूट ना जाए। दूसरी ओर उदाहरण देते हैं बिल्ली का बच्चा देखना, बिल्ली के बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। बिल्ली की माँ जो होती है वो ही अपने बच्चे को मुंह में लेके एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि यदि कोई साधक कहे कि भैया जो होता है वो तो भगवान की कृपा से ही होता है, जब होना होगा तब हो जाएगा, अरे हम क्या भजन करेंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जब भगवान करवाएंगे तब करेंगे, बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। दूसरी ओर यदि कोई कहे कि भगवान तो साधन के ही अधीन है, हम भजन कर करके और भगवान को प्राप्त कर लेंगे, बोले नहीं ऐसा भी नहीं होगा। दोनों को क्या करो, मिला दो। अर्थात हमें भी भगवान का भजन करना पड़ेगा, हमें भी चेष्टा करनी पड़ेगी, और जब भगवान देखेंगे कि साधक चेष्टा कर रहा है, जब भगवान देखेंगे कि कोई व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, तो उसकी चेष्टा देखकर भगवान प्रसन्न होंगे और कृपा करेंगे। जैसे मैया यशोदा का हुआ, मैया यशोदा तो चेष्टा कर रही थी, सुबह से शाम हो गई, लेकिन जब शरणागत हुई, जब मन ही मन नारायण को स्मरण किया, तो उस समय पर क्या किया, भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। इसी तरीके से यदि हम ये कहें कि भैया उसकी इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, हम क्या भजन करेंगे, हमसे नहीं होता, वो ही करवाने वाले हैं, वो ही करवाएंगे, चेष्टा करनी पड़ेगी, रोज सुबह उठो, भगवान का नाम लो, आनी करो, तिलक करो, जो गुरु मंत्र मिला है मंत्र ठीक ठीक से जप करो, ये साधन करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, खुद चेष्टा करनी पड़ेगी, और जब भगवान हमारी चेष्टा देखेंगे उस समय पर क्या करेंगे, कृपा भी करेंगे, दोनों साथ साथ चलेगी, है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। भगवान कहते हैं ना, एक कदम तुम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो हमें चेष्टा तो करनी पड़ेगी ना, शुरुआत तो करो, पहल तो हमको करनी पड़ेगी। तो इस दामोदर लीला से सार यही निकलता है, इसलिए चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि दो उंगली क्यों कम पड़ी है। दो उंगली का अर्थ क्या है, एक है भगवान की कृपा और दूसरा है साधन की चेष्टा। जब ये दोनों मिल जाएगी उस समय पर क्या करेंगे, भगवान बंधन स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार मैया यशोदा ने जब कृष्ण को बांध दिया, उसके बाद में आपने श्रवण किया ही है किस प्रकार कृष्ण ने आगे जाके यमलार्जुन का उद्धार किया, और बाद में इस प्रकार कृष्ण के एक मिनट कीर्तन कर लो पीछे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare कहीं भी सत्संग हो रही है कहीं भी कथा होती है ना आप जहाँ जाओ देखना कीर्तन में सबके सब कहते ताली बजाओ सुनेंगे नहीं बोले भैया ताली क्यों बजाने के लिए कहते हैं बोले कारण है जो ताली बजाएगा उसको पाप तो ऊपर उठ जाएगी लेकिन फूल करके नहीं तो बैठेगा ना कहाँ पर बैठेगा जो ताली नहीं बजाएगा इसलिए हर समय भगवान की कीर्तन में ताली बजानी चाहिए एक कारण है देखो कहते दूसरा कारण क्या है हम सत्संग में ताली क्यों बजाते हैं ये क्या बात है क्यों जाते हैं एक जगह बैठो जाना तो उधर जाओ हरे कृष्ण क्या इसके दूसरा कारण क्या बताए हम कथा में ताली क्यों बजाते हैं जैसे अगर संसार में बहुत ज्यादा कोई दुख आ रहा है एक दुख के बाद दूसरे दुख का खत्म नहीं हो रहा है फिर हम क्या करते हैं किसी ज्योतिष के पास में जाते बोले भैया थोड़ा हाथ देख लो तो ये दुख जा ही नहीं रहा है एक बात में एक बात में आता रहता है आप बताओ क्या ज्योतिष तुम्हारी भाग्य बदला देगा दुख खत्म कर सकता वो बोल सकता है भैया ये काम कर लो वो कर लो ये हाथ में ये स्टोन पहन लो ये कर लो बोल सकता लेकिन दुख कर सकता है दुख दूर नहीं कर सकता बल्कि इधर उधर बात करके पैसा एक मिनट लेगा लेकिन आप जब भगवान की कथा में ताली बजाओगे ना जैसे कहते ना हमारी हाथ देख लो कहते ना लास्ट में हाथ देख लो तो क्यों दुख आ रहे लेकिन आप देखो जब भगवान का कीर्तन में ताली बजाओगे ना ताली कैसे बजाते हाथ में कैसे बजा हाथ बजाते हैं अगर तुम्हारी भाग्य रेखा अगर तो उल्टा उल्टा होगा इधर उधर भाग्य रेखा होगा अगर भगवान की कीर्तन में ताली बजाओगे ना भगवान ही ऐसे व्यक्ति है जो भाग्य रेखा को बदला सकते ठाकुर बदलाएंगे दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं तुम्हारे भाग्य को कोई बदला सकते हैं मेरे तरफ पे देखो जब माता होगा ना जो उल्टा हाथ में देखो ये जो रेखा इसको भाग्य रेखा है ये देख लो अपने आप देख लो कहीं जाने का ये रेखा जिसको जितने बढ़िया होगा सीखा जाएगा उसका भाग्य उतना ही संसार में अच्छा है उतना ही हर चीज बढ़िया होगा हर भाई लोगों के लिए पुरुषों लोगों के लिए ये भाग्य रेखा है अब दूध देख लो अगर ये रेखा कहीं तुम्हारी तरफ उल्टा सुलटा है आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं अगर दुख कष्ट है ना सुन लो अगर दुख कष्ट है कहीं मत जाओ ठाकुर को सामने बैठ जाओ ठाकुर को सामने बैठ करके ताली बजाते हुए क्या करो भगवान की कीर्तन कर लो हरे कृष्ण नाम कर लो जब भगवान का नाम करोगे ना इधर देखो हम कहते हैं ना ताली बजाओ इसलिए ताली बजाओ दूसरे को स्वागत कर ना ताली बजा करके स्वागत करो लेकिन यहाँ पर जो ताली बजा रहे हो किसकी स्वागत में बोलो ठाकुर को स्वागत अगर भगवान के कीर्तन में ताली बजाओगे ना ये जो उल्टा सुलटा जो भाग्य रेखा है वो ठाकुर ही बदला और कोई दुनिया में नहीं बदला सकते इसलिए आप लोग ताली बजाने से पहले अपना हाथ की रेखा देख लो और ताली बजाने का बात में देखना कि सीधा हो गया होगा क्योंकि ताली आपको विश्वास होता कि नहीं अगर दस रत्ना कर अगर बाबूजी भी बन सकता है अजामिल जैसे व्यक्ति इतना पापी था बेटे का नाम नारायण बोल करके बेटा का नाम से अगर इतना बड़ा संत बन सकता है ध्रुव प्रहलाद इतने बड़े संत बन सकते हैं हनुमान के बंदर कुल में जन्म लेकर के राम नाम करके इतने बड़े संत बन सकते हैं अगर आप प्रभु का नाम कर दो तो भाग्य नहीं बदल सकते विश्वास है कि नहीं है भैया विश्वास होने चाहिए नहीं तो कुछ होने वाले नहीं है लेकिन हमारे दुर्भाग्य क्या तो सिनेमा में हमारे विश्वास हो जाता है तीन तीन घंटा जा करके सिनेमा में टिकट बना करके बैठे थे झूठ मूठ चीज को देखते रहे लेकिन दुर्भाग्य का विषय है भगवान के नाम में हमारी विश्वास नहीं होता है इसलिए भगवान के नाम में विश्वास करो और जोर जोर से ताली बजाओ क्या करो ताली बजाओ बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
शुरू से पहले एक श्लोक बोल करके और रासलीला को प्रारंभ करते हैं। भगवान यहाँ सावधान कर देते हैं। क्या सावधान करते हैं? देखो कि जो रास रचा है ना, वो किसने रास दिया है? भगवान कृष्ण ने रास दिया। लेकिन कभी कभी कोई लोग कहते हैं, क्या कृष्ण ही रास कर सकते हैं? हम रास नहीं कर सकते। हम भी गोपियों को लेकर रास कर सकते हैं, गोपियों को लेकर के हम भी रास कर सकते हैं। अरे भैया, कृष्ण के बगैर कोई दुनिया में रास कर ही नहीं सकता है। बात मत करो, क्या करो बात, इधर देखो। इसलिए रास कौन कर सकता है? भगवान केवल कृष्ण ही रास कर सकते हैं। कितने गोपियों को साथ में रास किया है? कहते 100 करोड़ गोपियों को साथ में प्रभु रास किया। जब भगवान द्वारका गए ना, कितने पत्नियां थी? 16,108। हम लोग शादी किए हो? कौन-कौन शादी किए हो? आपको पता चला एक को पालने के लिए क्या क्या कठिन है? जो शादी किया उनको पता होगा, एक को शादी करके घर में क्या परेशान। कल बता रहा था ना, जब लड़की रो रही थी अपना ससुर घर में जाते समय, है रोती है, पति ने कहा क्यों रो रहे, चुप हो जा। बोले जिंदगी में पहला बार रो लिया, आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू। जिंदगी भर तू रोगे, मैं नहीं रोऊंगा। एक व्यक्ति का दो बीवी थी। अभी पति दिन भर काम करता बाहर, जब घर आए ना, सोचता है भैया घर में जाकर चैन मिले। पति ने मीठी मीठी बोली, मीठी मीठी क्या घर में महावर दो नहीं लड़ते झगड़ते? बोले उसने ये बोल दिया, बोले वो उसने बोल दिया। इसलिए इसने सोचा भैया दोनों के लिए ना दो मंजिल मकान बना देता, फिर एक ऊपर रहेंगे नीचे रहेगी, घर में शांति रहेगा। लेकिन जो नीचे रहती है ना, वो क्या करती है, पहले से रसोई भसोई बना कर रखती है और बाहर बैठ जाती। जब पति आए ना, हाथ पकड़ कर सीधा घर ले जाती। लेकिन जो ऊपर रहती है वो दिन भर परेशानी है, ये रोज ही नाटक। एक दिन उसने किया कि उन्होंने रसोई बना करके नीचे आकर बैठ गई, बोला आज मैं मजा चखाती हूँ। जब पति आए जो जबरदस्ती हाथ पकड़ कर ऊपर ले जा रही थी, बोले रोज नीचे चली जाती हूँ, ऊपर बैठी रह जाती, ऊपर चलो। जब ले जा रही थी जो नीचे थी, ऊपर का हाथ पकड़ कर ले जा रही थी, जो नीचे थी, बोले कहाँ जा रहे हो, मैं भी तो खाना बना रख कर नीचे बैठी हूँ। है इतने में एक टांग पकड़ लिया और ऊपर एक हाथ, अभी दोनों को छोड़ी, हाथ टांग पकड़ कर छोड़ नहीं रहे।
इतने में उसको देखने के चोर चोरी करने आया था, और चोरी क्या कर रहा, पूजा देखना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है, एक टांग और एक हाथ पकड़ कोई छोड़ना नहीं चाह रहे। बड़े देर से जब उनकी लड़ाई खत्म हुई ना, है इतने में देखा घर में चोर घुसा हुआ, लेकर के पुलिस को पास में ले गए। पर इसको क्या दंड दिया जाए, चोर कहता है पुलिस साहेब जो दंड देना सब दंड लेने के लिए तैयार, लेकिन एक दंड मत दिया करो। बोले मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए, ये दंड मत दिया करो। हैं, एक को संभालना है कितना कठिन है, और कृष्ण कितने को साथ में रहते हैं। एक समय नारद भी चक्कर में पड़ेंगे, बोले घर में अगर दो हो जाए ना, रोज महाभारत चलती है, कृष्ण कितने को संभाल कैसे रहे। एक दिन नारद जी द्वारका भी पहुंचे, और वहाँ 16,108 पट रानियों का अलग अलग महल, एक ही घर में नहीं अलग अलग महल बनी गई। जब वहां पर गए, पहले रुक्मिणी के घर पे गए, नारद जी जब गए कृष्ण उनको स्वागत किया, चरण धोए, बैठाए, खूब भजन करवाए। लेकिन वहां से जब उन्होंने सत्य बाबा के घर में गए ना, अभी कृष्ण विदाई दिया, दूसरे राजमहल में गए, कृष्ण कहते नारद जी बड़े दिनों में आयो। बोले क्यों, अभी उसके कृष्ण अभी मेरे को विदाई दिया कहते बड़े दिनों में। यहाँ पर देखा तो उन्होंने रुक्मिणी को साथ में बैठ कर यज्ञ कर रहे थे, जब दूसरे घर में देखा बच्चों को पढ़ा रहे, वहां स्वागत करके जब कालिंदी के घर में गए, इतने में कृष्ण वहां कह रहे बोले नारद जी आप तो बड़े दिनों में आए। वहां पर देखा चौपट कैसे, उन्होंने जब जब जिस जिस घर में गए कृष्ण को अलग अलग रूप में उन्होंने देखा, एक रूप में उन्होंने नहीं देखा, भगवान अलग अलग रूप में सबको साथ में लीला कर रहे थे। भैया अगर हमारी मन को कोई भर सकता है ना, संपूर्ण कोई आनंद दे सकता है, ये केवल भगवान कृष्ण ही। गोस्वामी कहते भैया जो रास रचे आए ना, ये भगवान करने आए, ये जीव कभी रास नहीं रख सकते। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, इसलिए भगवान ने बड़ी मीठी मीठी ठाकुर जी बंसुरी बजाए, कृष्ण तो बंसी बजा रहे थे। बोले जब कलो बाम दिशा मनोहर, उनने क्लीन शब्दों को निकाले, लेकिन हर गोपियां अपना अपना नाम सुन रही थी। श्री ललिता सुन रही थी कृष्ण के वक्त ललित ललित पुकार रही, विशाखा सुन रही थी केवल विशाखा विशाखा नाम, सब गोपियां कोई रसोई बना रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कुछ दूध दोहन कर रही थी, कोई बच्चे को स्तन पान करा रहे थे, लेकिन जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में ही सबके सब छोड़ करके भगवान कृष्ण को पास में पहुंचे। जब पहुंचे भगवान उनको बोले स्वागत में महाभागा, भगवान उनको स्वागत किया, जगत में तुम लोग बड़े सौभाग्यवान हो, क्यों घर का सारे काम काज को छोड़ करके तुम लोगों ने मेरे पास में तुम लोग आए हो। देखो भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, आप लोग तो कथा में आए ना, जो कथा में आते हैं ना ठाकुर जी उनको भी स्वागत करते हैं। बोले क्यों, बोले सबके घर में कुछ ना कुछ काम है कि नहीं, घर में काम है कि नहीं, सबके घर में काम, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जो घर का काम को पीछे रख करके मेरी कथा में जो आते हैं ना, मैं भी उनको स्वागत करता हूँ, है मैं भी उनको स्वागत करता हूँ। ठाकुर जी उनको स्वागत किया, इतने में कृष्ण ने बोले देखो तुम लोग पतिव्रता नारी है, जो पतिव्रता नारी होती है, पति भले जो कुछ क्यों नहीं हो, निकम्मा क्यों ना हो, लंगड़ा क्यों नहीं हो, कुछ क्यों नहीं हो, पत्नी के लिए जो पति है ना यही परमात्मा है, हैं? इसलिए अपना पति की सेवा करनी चाहिए, जो पति की सेवा करते हैं उसको सब कुछ घर में धन ऐश्वर्य घर में सबके सब बढ़ती रहती है। इसलिए देखो तुम लोग पतिव्रता स्त्री ये घोर अंधकार रात है, अंधकार रात में नहीं रहनी चाहिए, जाओ आए हो जंगल की सुबह को दर्शन करो और अपना घर में चले जाओ। देखो भगवान यहाँ बहुत कुछ शिक्षा देते हैं, यहाँ पर शिक्षा देते हैं पतिव्रता जो नारी है उनको एकनिष्ठ होकर के अपना पति की सेवा करनी चाहिए, है? इसलिए कृष्ण एक कथा सुना, बोले देखो गोपियां एक कहानी सुनो, जो स्त्री पतिव्रता होती है ये पतिव्रता धर्म में कितने शक्ति, बोले सुनाओ क्या सुनाओ। बोले एक समय पहले चूल्हा के रोसी कैसे कंडे में नहीं तो बनती थी, किसमें लकड़ी से बनती थी, पहले बनाई गई नहीं कंडे लकड़ी में, इसलिए अभी तक गैस आ गया, अभी मैंने अभी अभी बनाए थे, अभी आग धधक रही थी चूल्हे में, आग धधक रही थी, जब आग धधक रही थी इतने में उसका छोटा बच्चा सो रहा था, और उसका जो पति पत्नी की जगह के ऊपर सर रख करके पति सो रहा था, छोटा बच्चा था जो घुटन पर ही चलना सीखा, अर्थात उसका नींद खुल गई, नींद खुलते ही जो आग जल रही थी चूल्हे में वो बच्चा घुटन में धीरे 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 चलते चलते आग के पास में चला गया,
अभी चूल्हे में गिरने वाला। पति तो चिंता में पड़ी है, बोले क्यों? बोले पति मेरे जंगे को परेशान रहकर वो सो रहे, अगर मैं उनको जगा देती हूँ मैं जो पति व्रता नारी के धर्म नष्ट हो जाएगी, पति को नींद मेरे खराब कर दी, अगर फिर अगर इनको नहीं जगा तो बच्चा क्या होगा? वो चूल्हे में बच्चे भी मरने वाला, अभी दोनों में मेरे को क्या काम करनी चाहिए? सोच रही है मैं पति व्रता नारी हूँ, पति सेवा मेरा पहला कर्तव्य, बच्चा बात पति सेवा पहला कर्तव्य, भले ही बच्चा मर जाए कोई बात नहीं लेकिन पति का सेवा मैं नहीं छोड़ूंगी। इतने में वो बच्चा जाग उठना एकदम चूल्हे में गिर पड़ा, अभी तो उसका धड़कन बच गई। इतने में थोड़ी देरी बाद पति का नींद खुला, बोले लाला कहाँ है? बोले लाला तो चूल्हे में गिर पड़ा। बोले तुमने बचाया नहीं, बोले आप मेरे जंगल को परेशान करते थे सो रहे थे, आपको जगा दी तो मेरी पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता। बोले चलो चलो देखते हैं जाकर। जब वहां पर गई ना, देखा चूल्हे में वो बच्चा खींचता ही पार्थ खेल रहा, क्यों? वो कहते जो पति व्रता स्त्री है ना उसको सामने अग्नि, उसको सामने शांत हो गई, अपना अग्नि का तेज शांत हो गई, क्यों? अपना पति की वो सेवा कर रही है, अपना पति की सेवा कर रही है, इसलिए वहां से बच्चे को उठा करके ले आए। कृष्ण ने कहा देखा जो स्त्रियां पति व्रता धर्म में जाकर करती है इतने शक्ति ये पति व्रता धर्म में, इसलिए पत्नियों को अपना पति व्रता धर्म जाचन करनी चाहिए हैं? और भगवान और क्या सिखा दिया, मतलब रात को बीच में अकेले स्त्रियों को कहीं नहीं जानी चाहिए, स्त्रियों को रात को नहीं जानी चाहिए, लेकिन पहले वो जाते थे अकेले, कई स्त्रियां कई भाई को साथ में होगा, पति को साथ में होगा, अब देखना पहले माताएं अकेले कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती, कभी भी बाहर नहीं निकलती, साथ में कोई पुरुष जरूर होगा तभी पत्नियां जाती थी। श्री कृष्ण कहते हैं अकेले स्त्रियों को घर से नहीं जानी चाहिए, जैसे रावण उठा कर ले जाएंगे, कल बता रहे थे ना, कहते जो मर्यादा रेखा को लक्ष्मण ने मर्यादा रेखा खींच कर गए, बोले खबरदार रेखा को पार नहीं करना, उन्होंने पार क्या किया होगा रावण, उसने उठा करके रावण उठा करके ले गया, अभी तक एक रावण था, वो माताएं खोल रही थी, अभी तो गली गलियों में रावण से घूम रहे, रावण सब गली गलियों में घूम रहे, पहले देखो अब बुरा मत समझना, पहले लड़की को ज्यादा पढ़ने नहीं देते, थोड़ी सी लिखा पढ़ा सीख गया ना बोले घर में रह जाओ, घर का काम काज को संभाल लो, अब जाकर के घर के काम काज से, यही तो बोलते थे पहले, घर से कोई बाहर छोड़ते थे नहीं छोड़ती थी, और छोड़ने का वजह से जितने उल्टा पुलटा काम हो रहा है घर के साथ, इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण सब चीज को सिखा देती है। इतने में जब गोपियों ने कृष्ण गोपियों को बड़े बड़े सुंदर उपदेश दी, इतने में गोपियों ने कहा देखो श्याम सुंदर जो उपदेश देते हैं ना गुरु है, लेकिन आप ही स्वयं बोले हो प्रथम अंतु गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम, कहते अगर गुरु गोविंद अगर दो खड़े हैं पहले किसकी चरण की प्रणाम करनी चाहिए, बोले बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताए, आप इतने बढ़िया बढ़िया उपदेश दिए हो इसलिए आप गुरु जी हो गए, पहले क्या करनी चाहिए, पहले गुरु जी की चरण की पूजा करनी चाहिए, आप तो जगत गुरु हो। जब गोपियों ने ये उत्तर दिया कृष्ण प्रसन्न हो गए, फिर गोपियों के साथ में भगवान ने रास रचाया। जब ठाकुर जी रास रचाए इतने में हर गोपियां देख रहे कि कृष्ण मेरे साथ, लेकिन और किसको साथ में नहीं, लेकिन अकेली राधा रानी केवल देख रही थी, क्या देख रही थी, कृष्ण सबको साथ में भी है और कृष्ण मेरे साथ में भी है। इतने में राधा रानी की मान हो गई, क्या मैं इनके बराबर हो गई हूँ, है? इतने में राधा रानी मान करके रास रास राधा रानी छोड़ देती है। जब राधा रानी छोड़ दी इतने में कृष्ण भी रास लीला छोड़ करके श्रीमती राधा रानी को ढूंढने के लिए कृष्ण चले गए। इतने में गोपियां व्याकुल होकर के लता पता वृक्ष सबको पूछ रहे थे हमारी श्याम सुंदर कहीं देखे हो क्या, सबको ये पूछ रहे थे, ऐसे ढूंढते ढूंढते लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। इतने में पृथ्वी को बोले पृथ्वी तुम तो सर्वत्र विद्यमान हो इसलिए तुमको तो पता होगा जय हमारी कृष्ण, माता जी यहाँ पर बात नहीं करना, आप अंदर में चले जाओ, जाओ अंदर में जाओ, जाओ अंदर में जाओ, इसलिए आपको तो पता होगा ना कृष्ण कहाँ पर है, क्योंकि आप सर्वत्र आप विद्यमान हो। इतने में जब पृथ्वी को देखे हठात उन्होंने कृष्ण का चरण की चिन्हों को देखा, बोला ये तो कृष्ण का चरण चिन्ह है, कृष्ण इधर गए, लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना देखा कृष्ण के दोनों चरणों के बीच में एक सुंदर एक ईश्वर के चरण चिन्ह है, इसको देख करके सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो गए,
बोले क्यों? बोले वो चरण से राधा रानी का चरण था। और ये सुखदेव गोस्वामी कौन है कि राधा रानी की ये सुख है। इतने बड़े प्रसन्न होकर के बोले बोले अनया आराधित नुनम भगवान हरिश्वर। बोले जितने गोपियों में यही गोपी ही सर्वतम रूप में उन्होंने कृष्ण की सेवा की, इसलिए कृष्ण सबको छोड़ करके केवल उन्होंने अकेले इनको लेकर गए। लेकिन और थोड़ी दूर गए ना, वहां पर देखा बीच का चरण चिन्ह है ही नहीं। इसने कहा देखो ये बीच का चरण चिन्ह कहाँ गया? दूसरे गोपी कहती है ये तो हृदय को और भी दुख देने वाले। बोले क्यों? बोले कृष्ण का चरण देखो और थोड़ा दबा हुआ। बोले मतलब क्या है? बोले कृष्ण इनको अपना गोद में उठा कर गिर गए। ऐसे करते करते कृष्ण राधा रानी को श्रृंगार कर रहे थे फूलों से। इनकी आवाज को सुन करके कृष्ण बोले राधे चलो यहाँ से हम जल्दी चले जाते हैं। क्यों? अगर गोपियां अगर देख लिया ना अकेले तुमको लेकर तो मान करके बैठेगी, अब फिर उनको मनाना शुरू कर दूंगा, अब दिन भर किया यही करूंगा, इसलिए ये महाराज पर नहीं होगा। यहाँ से चल पड़ राधा रानी बोली मैं नहीं चल सकती हूँ, अगर लेना तो मेरे को अपना कंधे पर उठा कर ले जाओ। फिर कंधे में बैठो, जब बैठने के लिए गई वही कृष्णा अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान होने पर वही पर राधा रानी बेहोश हो गई। फिर गोपियां आई राधा रानी को होश दिलाई, बोले कृष्ण को उसका भजन बहुत प्यारा लगता है, चलो हम यमुना किनारे में बैठ कर उनका भजन करें। जब उन्होंने गोपी गीत गाए फिर भगवान गोपी गीत का बीच में भगवान साक्षात मनमथ के मनमथ रूप लेकर कृष्ण प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, बोले श्री नंद के लाला की जय। जोर से बोलो बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। जब भगवान वहां प्रकट हुए गोपियों ने अपना चुंदरी को उतार करके भगवान को बैठाए, तब गोपियों ने कृष्ण को प्रश्न किया, बोले देख कृष्ण जगत में तीन तरह के लोग होते हैं, कितने तरह के? क्या क्या है? बोले पहला नंबर लोग है जिसको भजन करने पर जो उसको भजन करना है, दूसरा नंबर है उनको कुछ करो और नहीं करो करने पर भी वो व्यक्ति दूसरे के लिए करता है, तीसरा व्यक्ति होता है करो नहीं करो नहीं वो तब भी वो करता है। बताओ ये तीनों में तुम कौन हो? कृष्ण ने कहा देखो जो करने पर करते हो बढ़िया, जैसे कुछ पैसा लेकर दुकान में जाओ 100 रुपया दो 100 रुपया का माल देगा बस लेकर के आ गए, वहां कोई संबंध की बात नहीं है, वहां कोई प्रेम है नहीं, 100 रुपया दिया माल दिया, कहते जो करने पर करते हो बढ़िया। दूसरा व्यक्ति है करो नहीं करो तभी करता है, कहते ये कौन? बोले पिता माता। अब देखना भले ही तुम्हारे बेटा जितने नालायक तुम हो लेकिन पिता माता क्या सोचते, बेटा मेरा है, बेटा मेरा बेटा है, पिता माता कोई बेटे को छोड़ पाते नहीं छोड़ पाते, जितने जो कुछ हो जाए लेकिन जिंदे के भाई क्या करते पिता माता बच्चे के लिए, हम जो कुछ करते किसके लिए करते हो? बच्चों के लिए करते हो ना, अब किसके लिए करते हो? हाँ देखो तो ध्यान देकर सुनो, ऐसे नहीं जैसे पिता माता जिंदगी भर बच्चे के लिए गए, ऐसे नहीं घर में जब एक बहू आ जाए फिर पिता माता भूल जाओ, पिता माता को भूल जाओ, नहीं भूलनी चाहिए ठीक है ना। बहू आने पर भी ऐसे नहीं रात में कुछ कुछ माताएं कहती ना पता नहीं एक रात में क्या मंत्र बेटा कान में दिया, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि क्या हाल है, ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने सास ससुर को सेवा करेंगे वो ये चीज को कौन देखेगा? तुम्हारी बच्चा देखेगा ना, ये मेरी दादा दादी की सेवा कर रही, वो भी तुम्हारी ऐसी सेवा करेगा। अगर तुम खुद अगर सास ससुर की सेवा नहीं करोगे तुम्हारे घर में जो बहू आएगी फिर तुम्हारी कभी सेवा कर सकती है? बता कभी कर सकती है? कर ही नहीं सकती है। आपको देख करके बच्चा सीखेगा। देखो छोटी सुन लो, एक समय क्या हुआ घर में, जैसे घर में बहू आई शादी हुई घर में बड़ी लड़ाई झगड़ा हुई तो उसका जो पत्नी था ना लास्ट में लड़ झगड़ करके अपना पीहर चली गई। बोले भैया मैं पीहर से अब नहीं आऊंगी, तभी आऊंगी जब तुम पिता माता से अलग हो जाओगे। बोले तभी मैं पीहर से आऊंगी, इतने में मैं बेटा ने माँ के पास में आऊंगा। बोले मैं भैया बहू ऐसे कहती है, ठीक है भैया एक काम कर लो। बोले क्या? बोले जन्म से लेकर अभी तक तो मेरे को जन्म दिया बड़ा किया है हैं? और मेरे पीछे बहुत पैसा भी लगाया, अभी तुम हिसाब करके बोल दो तुमने कितने पैसा लगाया, मैं उतना पैसा तुमको दे दूंगा हैं? उतना पैसा तुमको दे दूंगा, मैं ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। भैया बोली बेटा मैं तो अनपढ़ हूँ,
अभी जन्म से लेकर के अभी कितना पैसा लगाया, अभी तो एक दिन में तो हिसाब नहीं कर सकता, बोले एक महीना देता कोई बात नहीं, एक महीना हिसाब कर। इतने में ठंडी का समय था, एक दिन बच्चा सो रहा था, ठंडी का समय में कंबल ओढ़ के सोता ना, रजाई ओढ़ के सो रहा था। इतने में भैया एक लोटे में पानी लाए, ला करके ना बेटे को एक तरफ में डाल दिया, डाल दिया तो एकदम घोर नीति में लेटा हुआ था, उसने पता नहीं कोई पानी डाल उसने पलट कर दूसरे तरफ में सोया, सोया तो थोड़ी देर बाद में बेटा ने किया, भैया ने किया क्या, दूसरे तरफ में भी एक लोटा पानी डाल दिया, डाल दिया तो फिर पलट कर सोया। फिर जब फिर उन्होंने जो पानी डाला ना, उसका नींद खराब हो गई, नींद खराब हो गया तो बोले क्या कर रहे हो, पानी क्यों डाल रहे हो, ठंडी का समय फिर पानी तुम डाल रहे हो, सोने नहीं रहे हो मेरे को, आप विरक्ति क्यों कर रहे हो। बोले बेटा तुमने बताया ना, जन्म से लेकर अभी तक मैंने जो सेवा की उसकी हिसाब करने के लिए तुमने बताया ना, बेटा एक रात का हिसाब नहीं बना रहा, क्या कर रहा था, कितना हिसाब रहता था, एक रात का मैंने हिसाब बता रहा था। जो बच्चा था ना, जब तू पट्टी कर देता था पेशाब करता था, मैं क्या करती थी, मैं करपट करके फिर दूसरे तरफ में सो जाता हैं, फिर जब इधर तो बेटा पेशाब टाटी करता था फिर करपट लेकर, कितने ऐसे मैंने रात बिताया तेरे को पालन करने के, कितने रात मैंने सोए नहीं। बच्चे को पाले हो, कौन कौन पाले हो बच्चे को, सबके सब पाले हो, पता है बच्चे को पालन करना कितना कठिन, 9 महीना तेरे को मैंने गर्भ धारण की, प्रसव वेदना की, मुंह की खाना निकाल करके मैंने तेरे को खाना खिलाई, अब तू क्या कहते हो, जन्म से लेकर अभी तक हिसाब कर देते, एक रात का मैं हिसाब कर रहा था है। इसलिए भैया हम कभी भी पिता माता करीने से कभी रूही नहीं बन सकते, इसलिए जितने संभव हो क्या करनी चाहिए, अपना सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। और एक सास ससुर कहते तो बहु सास का ना लड़ाई है पहले से, देखो सास को भी सावधान रहनी चाहिए, ऐसे नहीं अपना घर में बहू आ जाए तो बहू को बहू नहीं मानो, बहू को क्या मानो, बेटी मानो। ये माताओं को सास में बहुत गड़बड़ी चीज है, अपना बेटी के लिए तो घर में छुपा छुपा करके बेटी के पास में पैसा भेजेगी, बेटी के लिए कपड़ा भेजेगी, पता नहीं क्या, लेकिन बहू के लिए कोई चीज नहीं, बहू के लिए कोई चीज नहीं, किसके लिए, बेटी के लिए। अगर तुम बहू को, अगर जैसे बेटी को सेवा करती हो, अगर तुम नाना नानी बनोगे किसकी वजह से, बहू की वजह से बनोगे ना बेटी की वजह से बनोगे, बताओ घर का जो वंश बढ़ेगा कौन, बेटी वंश बढ़ाएगी ना, बहू वंश बढ़ाएगी, कौन बढ़ाएगी, बहू बढ़ाएगी। लेकिन सास क्या करती है, वो बेटे के लिए बेटी के लिए छुपा छुपा कर भेजेगी, लेकिन बहू के लिए कोई चीज नहीं लाएगी। इसलिए ताली है ना एक हाथ से नहीं बजती है, कितने हाथ से बजती है, दोनों हाथ। इसलिए क्या करनी चाहिए, बहू को भी सुधरना पड़ेगा और सास को भी सुधरना पड़ेगा। बाजार में जाओ तो कोई चीज लाओ, सबसे पहले सोचो बहू के लिए क्या लेकर जाओ, किसके लिए लेकर जाओ, अगर आप बहू के लिए कोई चीज आओगे बहू सोचेगा भैया मेरी सास ससुर मेरे चिंता करते हैं, देखो ये चीज लाए, तभी तो तुमको अपना पिता जैसे सेवा करेगा ना। इसलिए बहू को बहू नहीं माननी चाहिए, क्या माननी चाहिए, बेटी। और सास को सास नहीं माननी चाहिए, क्या माननी चाहिए, माँ। बस हाँ बढ़िया, देखो यहाँ पर ठाकुर ये बात ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, इसलिए कहते करो और नहीं करो तब भी वो कौन करते हैं, पिता माता ही है, जो करते हैं पिता माता ही करते हैं, हैं? और तीसरा नंबर करे नहीं करे तभी कोई मतलब नहीं। कहते वो चार तरह के हैं, आत्मा राम आपका काम गुरुद्रोही और अग्र तक के हैं। इसलिए कहते कृष्णा लगता है तुम किया हुआ हमारी जो भलाई को भूल गए हो, क्योंकि तुमने ही हमें बंसुरी बजा करके तुमने ही हमें ये अंधकार रात में तुमने ही बुलाया और यहाँ पर घोर अंधकार में छोड़ कर कहाँ तुमने चला गया, तुम कहीं चला गया। फिर कृष्ण ने कहा ऐसे मत समझो, प्रेम की दो पहुली है, एक विरह एक मिलन है, इसलिए मैं तुमसे छोड़कर कहीं गया नहीं, मैं तो पास में तुम जो गोपी गीत गा रहे थे गुलहाना दे रहे थे मैं सुन रहा था प्रेम से है, इसलिए मैंने गया है, तुम्हारी अंदर में जो प्रेम है ना वो प्रेम को देखने के लिए मैं गया था, कहीं नहीं गया था। फिर कृष्ण गोपियों के साथ में महारास किया, फिर शंकर भी गोपीश्वर महादेव बन करके शंकर भी दर्शन करने के लिए आते हैं। बोले श्री भोले बाबा की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय।
ब्रजी वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कृष्ण रुक्मिणी सजने के लिए गए हैं? हाथ उठा के बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। बार जोर से बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली वाले रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। भगवान नाच रचा रहे थे ना, केवल कृष्ण नहीं नाच रहे थे, कौन नाच रहे थे? सब गोपियां। केवल गोपियां नहीं नाच रहे थे, कौन नाच रहे थे? स्वर्ग में जितने देवियां हैं ना, देवता वो भी नाच रहे। अरे यार कीर्तन हो रहे, तुम चुपचाप बैठो, सब खड़े हो जाओ, बैठ बैठ के प्यार सुन रहे, सबके सब खड़े हो जाओ, भगवान के नाच में जरा नाच लो, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। Yeah.
चंद किरण श्याम सलामा दया के गजरारे जमुना किनारे का रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है भगवान की जय कृष्ण के नियाला की जय जय श्री राम एक बार हाथ उठाइए बोला हरि कृष्ण सब बढ़िया कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 और एक बार हाथ उठाकर बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण बाद में जब कृष्ण रूप में आएंगे फूल हो जाएंगे ठीक है हरि बोल। हाँ देखो अभी जब कृष्ण ब्रज में उन्होंने किसी दैत्य को वध किया इतने में श्री नारद जी आए बोले प्रभु आप ब्रज लीला में इतने डूब गए हो भूल गए क्यों जगत में आए अभी तो कंसपुर मारना अभी तो द्वारका में जाना प्रभु 16108 पटरानियों से शादी करोगे कितने सारे काम है अगर आप बोलोगे ना अगर आप बोलोगे तो मैं सब व्यवस्था कर देता हूँ जल्दी व्यवस्था करो इतने में नारद जी आए कंस को भड़काए भड़काए बोले तेरे को पता है कृष्ण बलराम कौन बोले कौन बोले जो आकाशवाणी देवता लोग किया था झूठ नहीं होगा आकाशवाणी में क्या बताया था देवकी की अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बने बताया था बोले हाँ बोले फिर जानते हो क्या हुआ बोले क्या हुआ वसुदेव महाराज बोलते ना सब बच्चे दे देंगे सब नहीं दिया रात में तो सोते रह गया राता रात कृष्ण को पहुंचा दिया गोकुल में वो जो नंद के लाला है ना नंद के लाला नहीं वसुदेव का लाला है और जो बलदेव ये रोहिणी की बेटा है ये तभी तो सारे दैत्य को एक दूसरे मार रहे हैं बोले बोली बताओ क्या करनी चाहिए बोले तेरे पास में अभी भी दैत्य का कम नहीं तेरे पास में तुम आठ आठ भाई हो तेरे पास में कुबलिया हाथी है इसलिए तुम्हारे पास में चार लोग पुष्टिक साल तो सर है अभी कृष्ण बलराम को धनुष जगह की बहाना से बुलाओ और यहीं पर अच्छे तरह सब मिल कर इसको पीस डालो बोले गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता बस उनको भेज दिया अक्रूर को और अक्रूर क्या किया कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा में आ गए जब मथुरा में आ गए कृष्ण पिताजी के आदेश को लेकर के जो मथुरा दर्शन करने के लिए गए सारे मथुरावासी तरस रहे थे बोले क्यों जब सुना कृष्ण छह दिन में उतना कुमारी एक महीना में सकटासुर तीन महीना में दिनाकर तो चार साल में बकासुर पांच साल में अघासुर छह साल में कालियों के सिर पर उन्होंने नृत्य किया और सात साल में श्री गिरिराज महाराज की सुन सुन करके ना तरस रहे थे कब कृष्ण दर्शन करे
लेकिन कंस का डर से कोई गए नहीं। लेकिन जब कृष्ण बलराम आ गए, पूरा हल्ला हो गया मथुरा में, कृष्ण बलराम आए हैं और जिस गली में जाए सब कैसे बोले श्री कृष्ण बलराम की जय, सब कैसे पुष्प की पूजा। इतने में सखा लोग पूछे, बोले कन्हैया क्या तेरे को ये लोग जानते हैं, तेरे को ये जिस गली में जाओ उसी गली में तेरे देख दीजिएगा, क्या बात क्या है, तो तुमको पता नहीं कंस मेरे खास मामा लगते हैं, तभी तो सोने की रात देखे तो बुलाए। बोले तू पहले क्यों नहीं बोल दिया। बोले क्यों, बोले देख ये मथुरापुरी कितने सुंदर है, हमारे कपड़े को देख रहे हो हैं, कपड़े हम चमकीले चमकीले कपड़े नहीं। बोले चिंता क्यों करता, आगे चलो, आगे धोबी मिले, जो धोबी कंस के लिए नए नए वस्त्र कंस के लिए ले जा रहे थे। इतने में कृष्ण बलराम ने कहा, बोले भैया हमारी सखाओं को थोड़ी सी नए वस्त्र दे दोगे। धोबी ने देखा, बोले क्या जानते हो कि वस्त्र किसके लिए, महाराज कंस के लिए, सोने के बटर के काम है। कहा गैया चराते हो वृंदावन में, गैया को पीछे पीछे दौड़ते हो, वन में रहने वाले महाराज कंस का वस्त्र पहनोगे। इतने में देखा एक ज्यादा ही बोल रहा है, देखा ये कौन है जो रामावतार में जिसने सीता को पूरा अंगुल उठाया था, वही धोबी है, ये धोबी बन करके आए। कृष्ण एक थप्पड़ मारे ना सर से, एकदम सर से सर को अलग कर दिया पूरा का पूरा। बोले भैया ये कोई अस्त्र क्या फिट करके रखा, एक थप्पड़ से सर ही अलग हो गया। बोले भैया भागो यहाँ से, सारे कपड़ा को फेंक करके भाग गए। बोले उठा लो अपना मन मर्जी कपड़ा, लेकिन कपड़ा किसका, कंस का। और सखा लोग छोटे छोटे जब ये वस्त्र को पहन करके चलने लगे ना, सब रोड साफ होना शुरू हो गए। बोले कन्हैया ये अच्छा नहीं लग रहा। बोले आगे चलो दर्जी को पास में, बहुत सारे दर्जी थे, बोले हमारे कपड़े को सही कर दोगे। तब उन्होंने भगवान की सखा पे जैसे नाप से बड़े सुंदर उसको काट करके बड़े सुंदर वस्त्र पहना दिया। भगवान का आशीर्वाद, खूब फलते फूलते रहो। अभी भी दर्जी लोग फलते फूलते हैं, कोई भी एक कुर्ता पैंट ले जाओ ना 400-500 रुपया के नीचे पैसा नहीं लेते हैं, हैं? ठीक ठाक भगवान ने आशीर्वाद दिया है ना ठाकुर जी। बोले कन्हैया सब ठीक हो गया, लेकिन अभी थोड़ी सी फूलों की माला हो जानी चाहिए। बोले आगे चलो सुदामा माली मिले, वो खुश होकर के भगवान को श्रृंगार कर दिया। बोले कन्हैया एक चीज की कसर रह गई, पर किस चीज की, बोले अच्छा तिलक हो जानी चाहिए, तिलक हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पर सब कुछ होने पर भी कहते कसर रह गया, किसी चीज की तिलक मतलब है अगर हम तिलक नहीं लगाएंगे ना भैया हमारे शरीर पूरा नहीं। ये तिलक को बताया, जो अपना ललाट में तिलक नहीं लगाते ना कहते तुम्हारी ललाट नहीं, ये शमशान है। ये क्या है इधर सुना, ये ललाट होगा तो शमशान, जैसे माता है आप लोग स्नान जो सधवा है स्नान के बाद में क्या करते हो, सिंदूर लगाते हो, मांग करती हो, इसको भरे बगैर पति के सामने नहीं जाते हैं, नहीं तो पति का अमंगल होता है, इसलिए इसको क्यों, इसको सुहाग कहते हैं। सुहाग मतलब क्या, पति का दीर्घायु हो, पति का बिजनेस बढ़िया चले, पति हैं अमर हो, पति का महिमा जगत में, तभी तो पत्नियां धारण करती है। ये जगत का पति के लिए तुमने धारण कर लिया, इतने सारे श्रृंगार है, जगत पति कब से संबंध हुआ, शादी से पहले कोई मतलब था, कब तक ये संबंध रहेगा, जब तक शरीर अगर बीच में लड़ाई जाता हो गया तो डाइवोर्स, उसी के लिए जब तुमने इतने मांग भरी ठाकुर के लिए क्या धारण किया, भगवान के लिए क्या तुम पहनो। इसलिए तीन चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए, कितना चीज, गले में पहले बताया था ना जब महाराज कह रहे देख लेना गले में तुलसी कंठी हो, तिलक लगाए और भगवान को माला, जिसको पास में देखोगे ना समझ जाना कि सब भगवान की भक्त है, भगवान की भक्त है, खबरदार उनको यहाँ नहीं लाना, भगवान मना किया है। इसलिए क्या पहले बताया ना, पासपोर्ट वीजा और टिकट, अगर ये तीन चीज हो, ये साधारण जगत में एक देश से अगर दूसरे देश में जाना चाहते हो ये तीन चीज होनी चाहिए, तो नहीं जा सकते हो। अगर हम ठाकुर को पास में जाना चाहते हैं, जब महाराज कहते हैं पहला नंबर देखना गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तुलसी की कंठी। मैंने इसकी बहुत सारी महिमा बताया था, ये तुलसी में कितने मेडिसिन है और ये लक्ष्मी साक्षात है और भगवान की निवास, ये तुलसी कंठी में भगवान की निवास है। इसलिए जब महाराज बोले ना, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के, क्या क्या, पालतू और ये फालतू। जब पालतू कुत्ते क्या निशान है, गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर के कुत्ते हैं, देखना उसको कुछ बोलते नहीं,
लेकिन जो फालतू कुत्ते हैं ना, बगैर पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना फालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, इसलिए गले में तुलसी के नहीं तो हम सब फालतू कुत्ते सब घूमने वाले। देखना रोड में ज्यादा कुत्ते हो जाए, देखना सरकार आदेश देता है सब कुत्तों को मार कर देते, पकड़ कर ले आओ, बात को सामने डाल दो, कौन से कुत्तों को पकड़ कर ले जाते हैं, कौन से कुत्ते को मारते हैं, ये सब फालतू कुत्तों को मारते हैं, फालतू को नहीं मारते हैं, क्यों, घर का है। इसलिए अगर हम गले में तुलसी कंठी हो तो हम पालतू किसके हैं, बाकी बिहार के, द्वारका देश के, मथुरा देश के पालतू है, हमारे ऊपर जम भी कभी न जम कभी नजर नहीं डालेगा, समझ जाएगा भैया जी ठाकुर, इसलिए सबके सब पालतू बन करके जाना, ठीक है ना, एक एक तुलसी कंठी दे दूंगा, सब एक एक तुलसी कंठी पहन कर जाना, और लेकिन उनको ही दूंगा तुलसी कंठी जो प्याज लहसुन छोड़ोगे, प्याज लहसुन लोगे तो आपको हरिनाम करने के लिए तुम अपनी माला दूंगा हरिनाम करने के लिए, लेकिन तभी तुलसी कंठी मिलेगा जब प्याज लहसुन त्याग दे देंगे, पहले बताया ना प्याज गैया का हड्डी से, ये गैया का मांस से ये प्याज बना हुआ, गैया का हड्डी से ये लहसुन बना हुआ है, इसलिए ये चीज ठाकुर की सेवा में नहीं लगता है, और 9 दिन तक नवरात्रि में कोई भी ये प्याज लहसुन को कोई ग्रहण नहीं करते, क्यों, माता जी को पसंद नहीं, क्यों पसंद नहीं है, वो मांस से ये प्याज सीखती है, और भागवत में तो बताया भगवान जब सुदर्शन चक्र से और राक्षसों को मारे वो मांस जहाँ पर गिर पड़ा वहीं से ये प्याज सृष्टि हुई, अगर प्याज रसोई में डालोगे तो ठाकुर की सेवा में नहीं लग सकती, ठाकुर सेवा में नहीं लगती है, इसलिए देखो भागवत को 7 दिन तक सुने, कितना दिन सुने, 7 दिन कम से कम, कोशिश करो कुछ लेकर के जाओ, कुछ लेकर के जाओ, ठीक है ना, ऐसे नहीं यहाँ गए और हर पल्ला धार करके चले गए, बोले भागवत कथा यही रहे हम तो जाए नहीं, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, ठीक है ना, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की गले में कैसी बहनो, और तिलक लगाओ, फोटा नहीं, तिलक उर्ध पुंड, इसको क्या कहते हैं तिलक, ऐसे आप भगवान राम को देखना करो कैसे तिलक है, फोटा नहीं, उर्ध पुंड, भगवान कृष्ण को देखो तिलक कैसे, ऐसे तिलक खड़े तिलक देखो, नारायण को कभी देखे हो, उनका तो आधा मुंह देखो तिलक में भरा हुआ, हनुमान जी को देखे हो, कौन कौन हनुमान जी फटो देखो तिलक कैसे है, उर्ध पुंड, गणेश जी को देखे हो, देखे ही नहीं गणेश जी को, तिलक कैसे है, उर्ध पुंड, भगवान भी तिलक के बगैर ठाकुर भी नहीं रहते, हमारी बात छोड़ दो, ठाकुर भी तिलक के बगैर नहीं रहते, इसलिए घर में पुजारी पूजा कराने के लिए आएगा तो क्या करेगा, पहले तुम्हें तिलक लगाएगा, तिलक के बगैर पूजा नहीं करेगा, बोले क्यों, बोले तिलक के बगैर पूजा तुम्हारा निष्फल है, कोई फल देने वाला नहीं, कोई फल तो नहीं देगा, इसलिए पुजारी सबसे पहले, जैसे कोई बच्चा किसको अब बिजनेस के लिए कहीं जा रहे क्या करते हो, तिलक लगा कर भेजते हो, बेटा तुम्हारी बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, तिलक की इतने महिमा, और हम जो तिलक लगाते हैं ना ये द्वारका से आता है, ये साधारण नहीं, ये नारद जी ये ब्रज रज को लेकर के गए द्वारका में, वहां कृष्ण को स्नान कराया गया, द्वारका गए हो कोई, कोई नहीं गए, गए हो वहां पर देखना एक गोपी तालाब है वहीं से ये तिलक आती है, ऐसे रंग केवल वहीं का मिट्टी और कहीं का मिट्टी नहीं, ये ब्रजवासियों का चरण धूली, भगवान भी स्वयं इसमें स्नान किया था, बड़ी महिमा, और देखो जो तिलक है ना ये जो तिलक हम 12 जगह पर लगाते हैं, ये जो तिलक है इसका नाम ललाट केशव देव है, ये भगवान केशव देव है, उधर में तिलक लगाते इसका नाम श्री नारायण, बख्खे माधव कंठे गोविंद, दक्षिण पार्श्व विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम बामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर वासुदेव, मतलब 12 जगह पर जो तिलक लगाते हैं ये भगवान के 12 नाम है, भगवान हमारे शरीर में तिलक रूप में ठाकुर का निवास हो जाता है, आप सुने होंगे कंस का ये कर्ण का शरीर में कवच था, सुने हो ये कवच उसको रक्षा करता है, ये तिलक है ना ये कवच का काम करता है, अगर आपने तिलक लगाया कहीं बाहर गए कोई भूत पिशाच डाकी निशाकी उल्टा पुल्टा कोई ग्रह तुमका आक्रमण नहीं करेगा, तिलक लगा कर गए ना माँ जसोदा कृष्ण का तिलक लगा देती, क्यों मेरे लाला का शरीर में कोई भूत पिशाच नहीं आ जाए, अगर आपने तिलक लगा कर बाहर गया ना तो उनका एक्सीडेंट हो गया, देखो आपको मैं सही घटना बताता हूँ, 2 घटना बताता हूँ, मैं रसिया प्रचार करने जाता, एक माता जी उनके घर में जाता था, ये उनको भूत पिशाच दिखता था और उसको पेट में बच्चा नहीं आता, उसको सो नहीं पाता, रात को सोते ही भूत पिशाच दिखने लग जाते, उसने बहुत कुछ किया इसको कैसे सही हो लेकिन सही नहीं हुआ, जब मैंने गया बोले बाबा
ऐसे ऐसे मैंने कहा देखो तिलक लगाओ और हम आचमन पात्र देते हैं जिसमें गंगा जमुना को बुला करके आचमन करके सर पर छिटाओ, इसको करो तुम्हारे पे कुछ नहीं होगा। जब उसने पहला दिन उसने सूर्य ज्ञान बता दिया, दूसरे दिन सही हो गई, क्योंकि जब तिलक है ना ये ललाट हम स्थापन कर ललाट के सेवा उदय नारायण भक्त माधव जिसकी कतना जिसके राके साया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जो बैरी बोरी जिसको ठाकुर रख्या करते हैं उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है, एकदम सही हो गई। फिर मैं जो दूसरा साल रशिया में गया एक स्थान पे वहां पर देखा उसका तो बेटा हुआ, 10 साल से बेटा नहीं हो रहा, पेट में घर में बच्चा धारण नहीं कर सकता, लेकिन जब दूसरे साल गया देखा बेटा हुआ, मैंने उसको नाम दिया राधा कांत नाम दिया, वो बच्चे को मैंने राधा कांत नाम दिया, अभी बच्चा भजन करता है भक्ति करता है तिलक लगाता है गले में तुलसी रसिया के हैं रसिया के देखोगे वृंदावन में गए हो देखना वहां इस्कॉन मंदिर में विदेश की लड़कियों को देखोगे तिलक लगाए गले में तुलसी करके माला जप करते हैं कि विदेशी लोग इसको करते हैं लेकिन हम लोग शर्म रखते शर्म नहीं रखनी चाहिए ये चीज को शर्म नहीं रखनी चाहिए शर्म तो गंदी चीज के लिए करनी चाहिए ठीक है ना। देखो और एक घटना बताता हूँ, ये नोएडा की घटना है। एक व्यक्ति वो 6 मंजिल के ऊपर रहता था, कितने ऊपर में 6 मंजिल में, उसकी एक बेटी थी 2 साल की, उसको माता हमारी शिष्य है, वो माँ जब तिलक लगाती थी वो भी उनका तो बच्चे को भी तिलक लगाती थी, वो 2 साल की बेटी थी, ये 6 मंजिल ऊपर में वहां से झांक रही थी, दीवार वहां पर था झड़का में झांक रहे थे बालकनी से, झांकते झांकते 6 मंजिल मकान के ऊपर से गिर गई। एक 2 साल की बच्ची गिरी हो तो क्या बोला छत्तू हो जाएगी, लेकिन इतने दूर से गिरी लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, वो तो सोचे खत्म हो गया, नीचे आकर कुछ नहीं हुआ, अभी भी वो बच्चा बच्ची है, क्योंकि उसका माँ ने उसको तिलक लगा कर रखी थी। ये तिलक है ना ये साधारण मत समझो, नहीं तो कृष्ण नहीं लगाते भगवान होकर के, हनुमान तो पूजा करते हैं हनुमान नहीं लगाते, गणेश नहीं लगाते, भगवान स्वयं क्यों लगा रहे, ठाकुर भी ये तिलक लगाते, तुम्हारी बात क्या है कितना ऐसे तिलक इसने फोटा नहीं फोटा लगा के तो घूमते रहोगे संसार में, इसको तिलक ऐसे होनी चाहिए क्यों देखो ये जो है ना ये ब्रह्मा है, ये बीच में विष्णु है और ये महेश है और ये दो है, ये ठाकुर के 2 चरण है, उसका नीचे देखो जैसे ठाकुर का चरण तुलसी बता देते है ना, इसका सेब बता जैसे है तुलसी बता जैसे है, इसलिए ये तिलक रूप में भगवान हमारे शरीर में तिलक रूप में निवास करते हैं ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर सखा लोग क्या कहते हैं बोले कन्या सब चीज होगी लेकिन एक चीज कसर रह गई, बोले किस चीज, बोले तिलक नहीं, तिलक नहीं, इतने में कुब जाए, वो कंस को रोज तिलक लगाने के लिए जा रहे थे, इतने में कृष्ण बोले सुंदरी ओ सुंदरी हमें थोड़ा तिलक लगा दोगे, वो देख कर उसको चोटी को पकड़े छान उठा कर नीचे फेंके और नीचे आते आते कंस का राना सत्य हो गया है। इतने में कंस की 2 पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, उन्होंने जरासंध उनका अपना अच्छा था कृष्ण बलराम मार डाले, इसलिए उन्होंने 70 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर में, लेकिन प्रभु पकड़ करके छोड़ देते थे, वो सारे सैन्य को लाता था फिर प्रभु मारते थे जितने दुष्टों को, लेकिन 18 बार में उन्होंने रण छोड़ करके चले गए, ठाकुर का एक नाम हो गया रण छोड़, बोले श्री रण छोड़ भगवान की जय। इसलिए फिर एक तरफ में एक तरफ में रक्षण हो गया, एक तरफ में काल जब दूसरे तरफ में जरासंध जब आक्रमण किया, बोले अभी क्या किया, तब उन्होंने विश्वकर्मा को बोले, बोले विश्वकर्मा जी अब समुद्र के बीच में अब द्वारका पुरी की रचना करो, ठाकुर जी उद्योग माया को बुलाए, बोले जो मथुरा वासी सोए हुए इनको रात रात लेकर के पहुंचा दो द्वारका में, सो रहे थे जब सवेरे उठे ना द्वार कहाँ, चार तरफ में समुद्र समुद्र, बोले भैया द्वार कहाँ है, ब्रह्मा जी किसी काम में व्यस्त थे, फिर देर हो गया, जब ब्रह्मा जी आए बोले बताओ हम बेटी के बराबर पत्नी कहाँ मिलेगी, ये तो सच्चा में लगती है, बोले देखो तू जो आया था ना वो द्वापर द्वार का सत्य युग में, लेकिन ये हो गया अभी द्वापर युग हो गया, द्वापर का अंतिम हो गया, अभी बुरा बुरा युग बदल गया है, हैं अभी द्वापर युग में वसुदेव का पवित्र हो गया ना, पवित्र हाथ मारेंगे
बताओ। इसलिए कोशिश करना गुटका से दूर रहने के लिए, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी निशा है, उसमें गुटका गुटका चीज ये गुटका में डालते हैं, इसका तो जवान में वैसे दांत ही खत्म हो गया, पूरा दांत ही मुड़ गया, क्योंकि गुटका खाते रहते वो नशा है तरह का, उसको खाते रहते उसमें चीज नहीं बचता, और ज्यादा नशा करते रहते दांत ही चली जाती है जवान में। इसलिए ये सब चीज से दूर रहना। पति बच्चों को शराब से पहले बताया ना, शराब पीने से कितना, शराब पीने से कितना लाभ बताया था, बोलो सब भूल गए हो सब। हाँ, क्या क्या लाभ है? बुढ़ा नहीं बनेगा, मतलब क्या, जिंदा रहेगा तब तो बुढ़ा होगा ना, वो तो शराब पी के आधा वर्ष में खत्म हो जाएगा। मैंने बताया था ना, मेरे पास में एक माता जी आई थी माला लेने के लिए, उसका उम्र 30 साल थी, दो बच्चे। मैंने कहा बच्चों का पिताजी कहाँ है, बोले मर गए। बोले कैसे? बोले पीते, लास्ट में लिवर ट्यूमर खत्म हो गया, जब पकड़े में आया बचने का कोई सवाल नहीं। इसलिए आप लोग भी बच्चों से और पतियों से सावधान बोलना, भैया ये चीज को मत लिया करो, मत किया करो, ठीक है ना। बोले घर में चोरी नहीं होगा, बोले चोरी कब होगा, घर में तो दो तब तो चोरी होगा, वो तो पी पा कर बेच पा कर सब उड़ा देगा। हैं, तीसरा कुत्ते दोस्त बन जाएंगे, कहाँ पी पा कर पड़े रहोगे, कुत्ते मुँह में पेशाब कर जाएंगे। इसलिए इस सब चीज से सिर्फ नशा एक नशा हो, ठाकुर का प्रेम और ठाकुर का भक्ति ही जीवन में नशा हो, और सब नशा को त्याग दे देनी चाहिए, ठीक है ना। और जो तीसरा चीज है, मांस नहीं खानी चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पर कोई खाते नहीं होंगे, राजस्थान के लोग बहुत अच्छे हैं, पृथ्वी में अगर सबसे ज्यादा कोई वेजिटेरियन है ना, जाने दो पृथ्वी में कहाँ पर बताओ तो, राजस्थान। आप लोग, आपके लिए जोरदार ताली बजाओ, एकदम से राजस्थान में, यहाँ पर है राजस्थान के लोग कम से कम वेजिटेरियन है। इसलिए इसको कहते हैं मांस, मांस मतलब क्या है, ये एक संस्कृत वर्ड है, मां मतलब झुको, सह मतलब वह, अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में तो खाएगा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीट, मीट मतलब मी ईट, और ईट मी, तो जिसको तू खा रहे हो बाद में तेरे को काट कर को खाएगा, क्योंकि पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है। लेकिन आप इससे बचे हुए हो, ठाकुर आपको खूब आशीर्वाद दे, ठाकुर जी खूब आपको उम्र में कृपा करें, ठीक है। और मछली तो खाते नहीं होंगे, लेकिन अंडा भी कभी कभी अभी धीरे धीरे, ये अंडा भी धीरे धीरे बिकना लग गया, लेकिन पहले नहीं बिकता था, एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है। इसलिए ये धृतराष्ट्र का 100 बेटे की उम्र, अब महाभारत पढ़ कर देखना, पहले जन्म में 100 अंडे खाए और एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है, इसलिए 100 बच्चों का उसको मृत्यु देखना पड़ गया, ठीक है ना। ये जिनको छोड़ देना, और प्याज लहसुन भी छोड़ना, क्या छोड़ना है, हाँ, इसको भी, जो चीज ठाकुर को सेवा में नहीं लगी, जो चीज को माता जी को पसंद नहीं, 9 दिन तक है नहीं खाते है ना, ऐसे नहीं 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा, ऐसे नहीं, जो माता जी को पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो चौथा चीज है, कहते जो पाप है, कहते स्त्रियों को ऊपर में पाप है, किसको ऊपर में, कहते स्त्रियों को ऊपर पाप है, बोले कौन सा स्त्री है, बोले संसार करो लेकिन अपना पति पत्नी शादी करके, अपना धर्म पति पत्नी मिल करके अपना संसार करनी चाहिए, बगैर शादी के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अभी करते हैं, शास्त्र की चीज को स्वीकार नहीं करते, गति गंदी का, संसार करो शादी करके पति पत्नी धर्म पूर्वक करो, बगैर विवाह के अवैध रूप में जो संबंध है, कहते वहां पर पवित्र का, वहां से पवित्रता नष्ट हो जाती है। पंचम स्कंद पढ़कर देखोगे तो इतना दंड वहां पर देखोगे, कांप जाओगे, जो अवैध रूप में स्त्री संग करते हैं, बड़ा कठोर दंड वहां पर बताया गया। इसलिए संसार करो शादी करके पति पत्नी मिल करके अपना घर गृहस्थी को धर्म पूर्वक अपना संसार निभानी चाहिए। कहते ये 4 चीज हमें त्याग देनी चाहिए, कहते 4 चीज को लेनी चाहिए, बोले 4 चीज क्या लोगे, अभी ध्यान देकर सुनो। पहला चीज तो लो, सभी घर में ठाकुर होनी चाहिए, किसी किस घर में ठाकुर, हाथ उठा दो, बहुत बढ़िया। और ठाकुर जी को अच्छे तरह से, ठाकुर जी को देखो ऐसे नहीं एक स्टैचू मान कर रखना, ऐसे नहीं, ठाकुर कौन है, भगवान है। कल मैंने बता रहा था ना, जैसे अपना शरीर को श्रृंगार करो, अपना शरीर को श्रृंगार करो, अगर शीशा के सामने खड़े हो जाओगे देखना, परछाई को श्रृंगार करने का जरूरत नहीं, शरीर को जैसे सजाओगे परछाई वैसे सज जाएगी। इसलिए आप देखना घर में, अपने घर में गोपाल होगा नहीं तो राधा कृष्ण होगा, उनको रोज स्नान कराओ। इसलिए शास्त्र में बतायो ठाकुर को पूजा कैसे करनी चाहिए,
आत्मभक्त मतलब है जैसे मार्केट में कोई नया फल आए, हम कहते हैं ना भाई नया फल लाओ, अगर नया फल आए तो भले जितना कुछ भी क्यों नहीं हो थोड़ा ला कर ठाकुर को दो, ठीक है ना, ठाकुर को दो। जैसे ठंडा का समय में हम क्या करते हैं, जैसे पतले पतले साड़ी पहनते हैं, है ना, ठाकुर को ऐसे नहीं, गर्म का समय में मोटी मोटी कपड़ा पहना नहीं, जैसे ठंडा का समय में मोटी मोटी कपड़ा पहन तो ठाकुर को भी वैसे ही श्रृंगार करो, रोज ठाकुर को स्नान कराओ, उसकी चरणामृत बच्चों को खिलाओ। कहते जो चरणामृत पीते है ना, देखो श्लोक है अकाल मृत्यु है ना, असमय में जो मृत्यु टल जाएगी, सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त रोग तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, घर का सारे दुख का चरण हो जाएगा, इसलिए उसका नाम है चरणामृत, चरण रूपी वो अमृत है। इसलिए क्या करो, खुद जैसे रोज रोज स्नान करते हो, ऐसे नहीं हम रोज तो स्नान करते दो बार कपड़ा बदलाते हैं और घर में ठाकुर बैठे हुए 10-15 दिन से कपड़ा बदलाएंगे, एक कपड़ा ठाकुर बैठे बैठे हुए, और जिसने दिया है उसके लिए कुछ नहीं, अपना अलमारी में देखो कितना साड़ी है, कितना साड़ी रखे हो ठाकुर के लिए, कितना कपड़े हो, भले ही जितने जितने अपना बच्चे का बर्थडे बनाते हो, इसलिए ठाकुर को जिस दिन आप घर में स्थापन किया है कोशिश कर उसी दिन भी घर में कुछ उत्सव मनाने के लिए सब माता को बुलाओ, अपना ठाकुर का कीर्तन करवाओ, ठाकुर के लिए भी नए कपड़ा बनाओ, ये मत समझो अरे ठाकुर का बहुत कपड़ा है, अभी तुम्हारी कितने कपड़ा देखो, अब शादी के सालों में हम क्या करते हो, पति को बोलते हो भैया एक हमें नया साड़ी चाहिए, अगर पति बोलेगा तो बहुत साड़ी है क्या जरूरत लाने का, बोले नहीं, पति अगर बहाना बनाए ना अरे मेरे पास में समय नहीं, बोले पैसा मेरे को दे दो खुद ले आओ, हैं, इसलिए ठाकुर को आप देखना घर में जितने सुंदर, जैसे कभी ठाकुर जी ध्यान देकर सुना, कभी कोई बहुत देर से हो जाने पर ठाकुर जी काला पड़ जाते हैं, आप लोग रोज रोज साबुन लगाते ही नहीं, ठाकुर को भी थोड़ा साफ करो, कैसे नींबू से हो दही से हो, ठाकुर को थोड़ा रगड़ करके, है ठाकुर को थोड़ा अच्छे तरह से रगड़ करके ठाकुर को अच्छे तरह से ठाकुर को क्या करो उसको स्नान कराओ, है स्नान कराओ, देखो जितने सुंदर आप देख लेना कितने सुंदर तुम ठाकुर को कपड़ा पहनाओगे, श्रृंगार करोगे, सेवा करोगे, उतना आप देख लोगे जैसे अपना शरीर को श्रृंगार करने से परछाई अपने आप सज जाती है, ठाकुर को जिस घर में जितनी अच्छे सेवा होगी घर में इतना फलते फूलते रहो उतना धन दौलत घर में आएगी, घर में सब चीज बढ़ोत होगी, आप स्वयं देख लेना, क्योंकि भगवान संतुष्ट हो गया तो तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान खुश रहे तो सारा दुनिया प्रसन्न रहे, ठीक है ना, ठाकुर को रोज अच्छे तरह से ठाकुर को, और देखो मैंने बताया था ना ठाकुर को रोज भोग लगाना है, ऐसे नहीं खुद तो प्याज लहसुन डाल करके चटपट खाते हो और ठाकुर को एक गिलास दूध दे दिया, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए, ठाकुर को घर में जो बचता है भोग लगाओ, प्याज लहसुन को घर में मत भोग लगाओ, देखो ध्यान देकर सुनो, जैसे तुम्हारे घर में एक नौकर है, कौन है, ध्यान देकर इधर सुना सब, तुम्हारे घर में नौकर है, वो नौकर क्या करता है, बढ़िया बढ़िया खाना बना कर खुद खाता है, और जो घर का मालिक को ना जैसे तैसे खिला देता है, अगर मालिक को पता चल जाए ये नौकर ऐसे गड़बड़ी करता है मतलब मालिक क्या करेगा उसको, बोलो हम लोग बाहर निकाल देगा, लोग अरे घर में रहकर बढ़िया बढ़िया खा रहे हो मेरे को जैसे तैसे खिला देते हो घर निकाल देगा, आप बताओ घर का मालिक ही हम ना ठाकुर, ठाकुर घर का मालिक है, मानते हो, मानते ही नहीं, जब मानते हो घर का ठाकुर है तो उनको एक ग्लास दूध दे दो कोई थोड़ा से उसको बाता से दे दो और तुम खुद प्याज लहसुन डाल दो खाओ, क्या ठाकुर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठाकुर जी ठाकुर देख रहे हैं कि नहीं, पर ठाकुर जी हमें क्या करेंगे, क्या करें घर से, ठाकुर जी घर से भी बाहर निकालते हैं हमें, हैं, इसलिए ऐसे काम मत किया करो, ठीक है ना, घर में प्याज लहसुन को छोड़ो अच्छे तरह से भोग लगाओ ठाकुर जी को, आप स्वयं देख लोगे घर में खूब लक्ष्मी आएगी, घर में बड़े से बड़े बीमारी कष्ट दूर हो जाएगी, लेकिन घर में अगर पैसा आ रही है, पैसा तो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी तो ठाकुर को है ना, आप देखना पैसा आ रहे हैं घर में बहुत आ रही है, लेकिन वो पैसा आप ठाकुर को भोग नहीं लग रहा है, आप खुद प्याज लहसुन डालकर खाते हो, देखना घर में सुख नहीं रहेगा, घर में शांति सुख नहीं रहेगा, क्यों, लक्ष्मी ठाकुर जी को, लक्ष्मी ठाकुर को सेवा भी नहीं लग रहा है, आप उसको साथ में बेईमानी कर रहे हो, इसलिए करोड़ों रुपया तुम्हारे घर में आ जाना, तुम देखोगे ऐसे बड़े बड़े बीमारी, नहीं तो कोई कोर्ट मामला मुकदमा लग जाएगी, नहीं तो ऐसे बहुत लड़ाई झगड़ा लगेगी, सारे पैसा बह जाएगा, क्यों, घर में लक्ष्मी खुश नहीं तुम्हारी पर, क्योंकि लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में नहीं लग रहे, भगवान से छुपा छुपा कर तुम खा रहे हो, ठीक है ना,
ठीक है ना। देखो हम सत्य है, हम तो सही बात बताएंगे आपको। एक व्यक्ति अगर सुधर जाए ना, हम सोचे कि हमारी कथा करना सार्थकता हो गया, हम लेने नहीं आपको कुछ देने के लिए आए, सही चीज आपको देने के लिए आए। हम चाहते तुम्हारी एक एक घर भगवान की धाम बन जाए, वृंदावन बन जाए तुम्हारी घर, ठीक है ना। क्या बन जाए? घर घर वृंदावन, धाम बन जाए तुम्हारी घर। हम ये चाहते, इसलिए कभी ये चीज को, पहला चीज ठाकुर को घर में अच्छे तरह सेवा पूजा करो, ठीक है, ठाकुर को सेवा पूजा करे। दूसरी चीज है, घर में तुलसी हर घर में होनी चाहिए। किसको घर में तुलसी का होता है? बहुत अच्छी बात है, आप लोग, आप लोगों की ताली हो जाए घर में आप लोगों तुलसी। देखो जो भगवान जब संसार से भगवान गए ना, ठाकुर जब संसार से गए कहते अपने आप को कहाँ रख कर गए? तुलसी में रख कर गए। हम कहते वृंदावन चलो, बोलते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों? वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, हर बन मतलब तुलसी का बन। जहाँ तुलसी का बन है वहीं पर ठाकुर जी। अगर तुम्हारे घर में ये तुलसी बने ना, तुम्हारे घर में ठाकुर जी। और तुलसी लक्ष्मी है। अब और एक चीज सुन लो, जिसके घर में तुलसी वृक्ष जितना बढ़िया होगा, जितने अच्छे होता है ना, आप देखना ये लक्ष्मी है ना, नारायण प्रसाद में प्रभु जी बोल रहे थे हम एक बार चाहते हैं घर में तुलसी और नारायण का शादी कराए, क्योंकि तुलसी कौन है? तुलसी लक्ष्मी, तुलसी ये लक्ष्मी है। इसलिए ये तुलसी लक्ष्मी, जिसके घर में जितने सुंदर तुलसी बना तुझे बढ़ेगा, आप देख लेना घर में माँ लक्ष्मी ज्यादा आएगा। आपको देखना किसी किस घर में तुलसी पौधा ही नहीं होता, मर जाती है तुलसी, बचती नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है। घर में तुलसी जितने अच्छा होगा उतना घर में तुम्हारी धन दौलत उतना आएगा, आप खुद देख लेना। ये तुलसी घर में होनी चाहिए, रोज स्नान करके रोज तुलसी में पानी दो, परिक्रमा लगाओ। घर में जो बच्चे है ना, रोज बच्चों को पहले संस्कार करो, बच्चों को क्या बोलो, नहा धो करके तुलसी में पानी दे, तुलसी की परिक्रमा करे। बोले क्यों? बोले तुलसी परिक्रमा करने से, तुलसी सेवा करने से समस्त रोग व्याधि दुख कष्ट सब दूर हो जाती। क्यों? इसमें ठाकुर जी की, ये भगवान की निवास, ठीक है ना। तुलसी घर में रोज रखना और एकादशी व्रत जरूर करना। मैंने पहले एकादशी कथा बहुत तुमको सुना दी है। और जो चौथी जो चीज है, भगवान की नाम को जप करना, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। एक बार जोर से बोलो, कल मैंने चाय बहुओं की कथा सुनाई, सुनाया था ना, किसको किसको याद है? देखो डर से मैं हाथ नहीं उठा रही हूँ, किसको याद है? अब दो बार बोल सकती हो, बोल सकती हो चाय बहुओं की कथा? बोला क्या बोला? बोल सकते हो? आप लोगों ने सब कुछ कोई याद नहीं रखे हो? हरे कृष्ण। गुरुदेव ने क्या बताया था? चार बहू वाली कथा, उसमें क्या था? चार पत्नियां होती है एक राजा की, एक राजा की चार पत्नियां होती है, तो वो बड़ा ही उनमें आसक्त रहता है। लेकिन तीन पत्नियों में आसक्त रहता है और एक पत्नी कैसी होती है उसकी, उसमें कुछ ध्यान नहीं देता, बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अब जो पहली पत्नी है वो कौन है? जिसको बड़ा अच्छे से सुंदर सजाता है, सबसे ज्यादा वक्त उसी के साथ बिताता है, दिन भर आईने में क्या करता है? देखता है। और जो दूसरी पत्नी है वो कौन है? बड़ा ही सुंदर पत्नी, सबसे सुंदर जो पत्नी है वो कौन है? दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी को मतलब सबको दिखाएगा, जो भी घर में आएगा उसको जगह दे, वो मेरी कितनी सुंदर पत्नी है, देखो कितनी सुंदर पत्नी, उसकी महिमा गान करता रहेगा सबके सामने हमेशा। और तीसरी पत्नी कौन है? तीसरी पत्नी कौन है? जिससे अपनी सब दुखों की बातें शेयर करेगा, सुख दुख में साथ बिताएगा, समय हर समय उसके साथ बिताएगा, और जो भी अपने हृदय की बात है सब उसको बताएगा। जो मीठा मीठा बोलती, बहुत मीठा मीठा बोलते तो है ना। तो और जो लास्ट पत्नी है, वो लास्ट पत्नी के साथ पूरा जीवन कभी उससे मिला भी नहीं, बात भी नहीं किया, उसको
शादी करके भूल गया, वो बड़ी दुखी रहती थी उस कारण से। अब ये जो बताया था गुरुदेव ने, ये क्या बताया था कि ये हमारे हर एक व्यक्ति की जीवन की कथा है। कैसे? जो चार पत्नियां हैं हमारी, हर व्यक्ति की ये चार पत्नियां हैं, सबकी चार पत्नियां ये। बताओ पहली जो पत्नी थी कौन थी? नहीं, पहली पत्नी जो राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, और क्या करता था राजा उसको साथ में, जो चीज मांगती थी उसको ला ला कर उसको दे कर उसको इच्छा थी पूरी करता था, है? इसलिए वो कौन था सर्वप्रथम कौन था? ये भूल गए बोलो, ये था शरीर है, ये हमारी शरीर है। जब अंतिम समय में उसको पूछा, जब उसको अंतिम समय में पूछा तू मेरे साथ में चलोगी, तेरे को मैं इतना प्यार करती थी, अरे सुनो जा, इतना प्यार करती थी और जो मांगती थी वही तेरे को ला करके देता था, है तो मेरे साथ में चलोगी? उसने क्या उत्तर दिया बोलो? चलूंगी तो एक कदम तेरे साथ में नहीं चलो। वो कौन था? ये शरीर है, जिस शरीर के लिए हम इतने कष्ट करते हैं, जिस चीज की मांग करती है उसको पूरी करते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है ये शरीर साथ में चलेगा? कहता जब हंसा अकेला उड़ जाएगा अल पिंजरा बड़ा रह जाएगा। तो दूसरी जो पत्नी थी वो कौन थी? सुंदरी। सुंदरी थी राजा जिसको दुनिया में दिखाया करता था। जब उसको पूछा उसने क्या उत्तर दिया बोलो? नहीं बोला ठीक से, तुम लोग कहीं ठीक से नहीं कहती है। सुंदरी कौन थी? कितना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, ये पैसा बड़ी सुंदर, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ होता ही है। जब उसको बोला तू मेरे साथ में चलोगी, उसने क्या उत्तर दिया? मैं तो देख रहा हूँ तुमको मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूँगी। मतलब क्या है? आज पैसा कितना कष्ट से हम कमाते हैं, लेकिन इस शरीर छूटते ही पैसा क्या साथ में जाएगा? फिर वो दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी और दूसरों के पास में चली जाएगी। बोले भैया तेरे साथ में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे साथ में शादी करूंगी। अभी पैसा जिसको पास में जाएगा वो इसको भोग करेगा, इसलिए भैया मैं तेरे साथ में नहीं जाऊँ। तीसरी लड़ाई कौन थी? हाँ, जब मीठा मीठा बोली बोलती थी और मन की बात जिसको शेयर करती थी। बोले उसको बोले तू साथ में चलोगी, उसने क्या बोला? दरबार तक जाओ, दरबार तक चलोगी, क्योंकि कहती ये किसको साथ में बैठ करके हम बात करते परिवार से। पहला नंबर पत्नी की आई जिसको साथ फेरा लगा करके हमने शादी की, पत्नी से बोले साथ में चलोगी, उसने क्या बोला? बोले जाओगी लेकिन दरबार तक जाओ चलोगी, अगर ज्यादा बोलोगे तो आगे चाह कर तो बढ़ सकती लेकिन आगे नहीं चल सकती है। इसलिए पत्नी कहाँ तक चलती है? दरबार तक चलती, आगे नहीं चलती है। अभी परिवार वालों से पूछा कहाँ तक चलोगे? बोले तेरे लिए बढ़िया आरती से जाऊंगे, और राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे कहाँ तक? बोले शमशान तक, वहीं पर जला करके टाटा करके वापस आ जाए, अभी कोई नहीं गए। लेकिन जो चौथी पत्नी थी राजा जिसको जिंदगी में कभी प्यार नहीं किया, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन थे, लेकिन जब उसको पूछा तू चलोगी, वही साथ में चलने के लिए तैयार है। वो कौन थी? भगवान के नाम, भगवान की भक्ति। हम क्या करें अभी जीवन में? उससे सबसे ज्यादा निगलित करे रखे, सबसे ज्यादा। अगर किसको बोले थोड़ा माला जप कर, बोले समय कहाँ, ये सब बेकार काम है, जिसको पास में कोई काम धाम नहीं उसे माला लेकर हरे कृष्ण करते रहते। हमारे बहुत काम टीवी देखना है, स्मार्टफोन देखना है, हमें मार्केट करना, ये करना, तो सारे काम के लिए समय देता है। लेकिन जब भजन की बात बोले ना, हजार बहानाबाजी करते हैं, तब ये सब बेकार चीज है। लेकिन जब अंतिम समय आता है फिर साथ में क्या चलेगा? यही बोलते बोलते ले जाएंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलेंगे ना। बेटा जीवन में जितने तुम राम और कृष्ण का नाम लिया अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ जीवन में किया सब झूठे में तुमने जीवन में बिताया। धन दौलत पुत्र परिवार सबके सब यहीं रह गए, साथ में कोई नहीं जा रहे। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पाया तो क्या मिला जीवन में? जितने मैंने राम और कृष्ण का नाम लिया जीवन में वही मिला, और जगह में सभी खुवायो, जगह में सभी खुवायो। इसलिए ये चौथी पत्नी को ही हमें ज्यादा प्रेम करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए बोलो? कौन सा पत्नी को?
चौथी क्षत्रिय कौन है? हरिहर की नाम है। देखो जो भागवत है ना, ये भागवत का सार ब्रह्म का नाम है। जब पहला जो श्लोक भागवत का जब सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, उन्होंने भगवान का नाम से शुरू किया। जब भागवत को उन्होंने विश्राम किया है ना, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो, क्योंकि ये श्लोक बोलने से पूरी भागवत का फल आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये भागवत का अंतिम श्लोक यही है। उन्होंने प्रभु का नाम से ये श्लोक को खत्म करते हैं। आप लोग मेरे पीछे बोलो, बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम। और एक बार बोलो, बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम। इसका मतलब है ठाकुर का नाम कीर्तन करने से जीवन का सब दुख कष्ट तुम्हारी दूर हो जाएगा। इसलिए प्रणाम दुख समनम, इसलिए कहते हैं भगवान को प्रणाम करने से, ठाकुर को प्रणाम करने से जीवन का सब दुख कष्ट तुम्हारी दूर हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रुक्मिणी रमण भगवान की जय, जय श्री राधे। देखो आज कथा का विश्राम दिन है, आज कथा की विश्राम दिन आज प्रभु जी बढ़िया, इसलिए आज कथा की विश्राम दिन है। आप लोग क्या करना, एक एक माला लेकर जाना, ठीक है? क्या करना, एक एक माला लेकर के जाना, माला स्वयं ही जप करना। और आप धर्म जी से बच्चे हैं ना, बच्चों को भी बोलना एक माला जप करो। क्या बोलोगे आप, देखना जिसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन चंचल रहता है, इधर उधर भटकते हैं, देखना वो बच्चों को नाम जप करा देना कि बच्चे का मन धीरे 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 कंट्रोल हो जाएगा, उसका पढ़ाई में भी मन लग जाएगा। इसमें तीन नाम बताया ना, हरे, हरे मतलब क्या, समस्त दुख कष्ट को हरण कर देता है। कृष्ण मतलब मन में शांति नहीं रहती, मन में सुख नहीं है। कृष्ण नाम लेने से कि जो भटकता हुआ मन को, जो भटकने नहीं दे उसको खींच करके जो प्रभु के चरण में लगा दे। राम मतलब होता है जीवन में हमें जो आराम देते हैं, इसलिए ये भगवान के नाम जप करने से दुख दूर जाएगा, अशांत मन को शांति मिलेगा और जीवन में हमें आराम मिलेगा, ठीक है ना? ये आज लास्ट का दिन है, सब एक एक माला ले करके जाए, ठीक है? कौन कौन लेगा बोलो, हाथ उठा कर तो माला, ठीक है? इसलिए अभी जब कथा विश्राम होगा ना, अभी कृष्ण रुक्मिणी आएंगे, सुना है घर, अभी कृष्ण रुक्मिणी आएंगे। जब कृष्ण रुक्मिणी आएंगे, अभी इनकी शादी हो जाएगी, इसको बाद में बैठ करके फिर हम एक माला जप करेंगे, फिर माला जप करके कथा को विश्राम देंगे, फिर सबके सब घर में जाना। देखो ये कथा प्रसाद का नाम क्या है, आज सभी के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था सभी के लिए। देखो ये कथा को हमारे श्री लोकेश प्रभु जी अपना घर में, हम तो बहुत दिन से बोल रहे थे, प्रभु जी हमारे घर में भागवत कथा कर रहे, घर ले रहे भागवत, बहुत दिन से बोल रहे थे, लेकिन करुणा थी। मैंने कहा भैया अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, सब लोग डरते हैं इस दूसरे घर में जाने के लिए, क्योंकि अभी करुणा की माहौल है, लेकिन इसलिए अभी हम करुणा थोड़ा कम हो गया तो मैंने कहा ठीक है अभी आकर कथा कर लेते हैं। इसलिए इन्होंने हम लोग को बुलाई और सात दिन तक इनके घर में भागवत कथा हो। देखो सुत गोस्वामी कहते हैं जिस घर में ये भागवत कथा हो जाती है, ये श्लोक है, बोले सर्वानि तीर्थानि वसन्ति तत्र, बोले पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है ना उसी घर में आकर बैठ जाती है। कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब तीर्थ उस घर में आकर बैठ जाती है। जिस घर में कथा हो, ऋषि मुनि देवता सबके सब ब्रह्म लोगों से, शिव लोगों से, स्वर्ग लोगों से, समस्त देवा देवी भी उसी घर में आकर निवास कर लेते हैं, जिस घर में भागवत की कथा जिस घर में हो जाती है, हैं? इसलिए बड़े भाग्य से कहीं ये भागवत कथा को कोई कर सकते हैं और दूसरों को ये कथा को दिला सकते हैं, क्योंकि इसी कथा में कितने लोगों का कल्याण हुआ है, कितने लोगों को प्रभु की भजन में मन लगा है। तब ये फल किसको मिलेगा, जो कथा करवा रहे हैं उनको मिलेगा,
इसलिए हम श्री प्रभु जी के लिए ठाकुर लोकेश प्रभु जी के लिए और उनके बेटे उनकी पत्नी सभी के लिए ठाकुर जी का प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी इनको खूब सुख शांति दे, भक्ति दे, इनको ठाकुर अपना प्रेम दे कि जीवन में खूब आनंद में जीवन को आनंद में बिताए। और इन्हीं कथा में इन्होंने अपना परिवार सब परिवार को भी बुलाया है। अपना घर में उन्होंने नया घर लिया है, नया घर का सात्य कथा हो गया। क्यों घर लिए तो इसमें भागवत कथा हुई, पूरा परिवार लोग आए, जहाँ पर रहे सात दिन तक भगवान की भजन किया, समझो ये घर भी धन्य हो गया। इसलिए जिन जिन्होंने ये कथा में आए हो हैं, जिन जिन्होंने भी कथा में आए हो और आप लोगों ने सात दिन का कोई सुने, कोई आकर थोड़ी सी कथा सुने, लेकिन भगवान बड़े दयालु ठाकुर बड़े कृपालु कहते श्रुत अनुपटित ध्यात आदृत व अनुमोदित। देखो जो सुने तो कल्याण है ही है, जब उसको बाद में पाठ करे उनका भी कल्याण है। जब यहाँ तक भी बताते हैं, कहीं अगर कथा हो रही है, कथा कहीं हो रही है, अगर किसी ने अनुमोदन कर दिया कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने इतना कोई बोल दिया ना, देखो क्या कहते हैं, बोले सत्य पुनादि सब धर्मम, वो व्यक्ति इतना बड़े से बड़े पाप क्यों नहीं किया है, उसी समय का सारे पाप नष्ट हो जाता है और भगवान का धाम में निवास करता है। अगर जो बोल दिया कथा हो रही है होनी चाहिए। इसलिए धुंधुकारी को देखा ना, उसका नाम पर पिंड देने पर उधर नहीं, उधर नहीं सुबह कथा से उधर, बोले एक बार नहीं सब बार पिंड देने पड़ी। इसलिए आप लोग जो आए हैं ना, आप लोग भी कोशिश करना ऐसे जैसे आपका घर में भी कभी ऐसी कथा हो, ठीक है ना, घर में भी ऐसी कथा हो तो धर्म का तभी सार्थकता है। घर जब श्री भगवान की सेवा में लगे, भागवत की सेवा में लगे, भक्ति में लगे, तभी माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद होता है, कृपा होता है। इसलिए आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए हो, आप लोगों के लिए भी जोर से ताली बजाओ, जोर से। और देखो कथा में जैसे कोई मिठाई दिया, रोज रोज कोई कोई मिठाई दिए, कोई कोई और कोई कोई चीज दिए है, आप लोग रोज रोज कुछ ना कुछ दिए है रोज रोज। इसलिए आप लोग के लिए जो किसने कहते जो एक चावल का पिनका भी भागवत सेवा में लगाए, ठाकुर जी कहते हैं उनका भी किसी जीवन में घर में अपना बस्तर का कभी नहीं होगा, उनको घर में भी लक्ष्मी भरपूर रहेगी। इतने महत्व है जिन लोगों ने कथा में कुछ ना कुछ आप लोगों ने जो दान दिया है। इसलिए आप लोगों के लिए भी मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी आप लोग शांति सुख अब खूब फलते फूलते रहो संसार में, अब भी खुश में आप लोग भी खुश में रहो। और इसी कथा में देखो हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना कथा करने के लिए, हम अपना साथ में बहुत घर कलाकार ले जाते हैं, पैर बजाने वाले और क्यासियो बजाने वाला, हम बहुत कुछ ले जाते हैं, लेकिन चूंकि छोटा घर था इसलिए इसको लाए नहीं। लेकिन ये दोनों हमारे प्रभु ने श्री गौर सुंदर प्रभु सिद्धार्थ प्रभु ने ये दोनों ने सारे काम कर लिए, वृंदक बजा के कीर्तन करके हम तीन में छह सात लोग जाते थे, लेकिन ये दोनों व्यक्ति कीर्तन करके आपको भगवान कथा में रचा लिए। इसलिए ठाकुर इनको भी भक्ति दे सेवा, इनका भी ठाकुर सेवा दे। और यहाँ पे आप लोग जो रोसई बनाए, आप लोगों ने जो उनका परिवार लोग आए, आप लोगों ने हर तरह से यहाँ रख के मदद किया है, कथा किया, आरती में आए, कथा सुने, आप लोगों ने हर तरह से आप लोगों ने कथा को परिपूर्ण किया है। इसलिए आप सभी के लिए इनके परिवार और इनके बगैर भी परिवार से जो आए हैं सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर सबको सुख शांति दे, घर में खूब धन दौलत दे, आप उसी से आप भगवान की सेवा करो और जीवन में सुखी आनंद बनाओ। इसलिए अभी आप सब के लिए जोरदार ताली हो जाती है। अभी ये कृष्ण रुक्मिणी अभी आ रहे हैं, हैं? इसलिए आ जाओ भैया कृष्ण रुक्मिणी, भैया आ जाओ कृष्ण रुक्मिणी, साई हो जाए इनको दोनों हाथ में, कोई माला दे इसमें कृष्ण कौन और रुक्मिणी कौन है, कृष्ण ही है रुक्मिणी कौन है, लेकिन मैं जो बोलूंगा तो माला देगा, ठीक है। हाँ देखो इधर सुन लो, कथा सुन लो, उधर मत देखो मेरे को देखो, आप लोग मेरे को देखो। बोले श्री विदर्भ देश में भीष्मक नाम के राजा थे, अरे बात बंद करो, माता है ना बड़ी तरफ में देखो। इसलिए विदर्भ देश में कहते भीष्मक के पांच बेटे थे और उनके जो सबसे छोटी बेटी थी ना, ये थी रुक्मिणी। ये रुक्मिणी साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूप, ये कौन थी बोलो, कौन थी ये माँ लक्ष्मी।
ये नारद जी को ये बात पता था, ये सख्या लगती है। इतने में नारद जी बचपन में आकर क्या करते थे, ये रुक्मिणी को सुंदर सुंदर कथा सुनाते थे। किसकी कथा सुनाते थे? कृष्ण की। इनकी कथा देखो ना, कितना बिनु सत्संग विवेक ना हो, जब तक हम प्रभु की कथा नहीं सुनेंगे ना, तब तक हमें विवेक नहीं होगा हैं। जब कथा सुनेंगे फिर जाकर पता चल, बात मत करो, चुप रहो। इसलिए जब हम ज्ञान की बात सुनेंगे तभी भगवान के चरण में हमारी प्रीति बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने नारद से कथा सुन सुन करके उसकी रोम रोम में कृष्ण बैठ गए थे हैं। जब कृष्ण बैठ गए थे, अभी रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की, अगर मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश से ही शादी करूंगी, नहीं तो और किसको मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन इनके जो बड़े भाई रुक्मिणी था वो दुष्ट संगत में बैठता था। बोले क्या कृष्ण से मेरी बहन, हमने सुना वो बचपन में गैया चराता था और घर घर में मक्खन भी चोरी करता था। भैया ये ग्वाला से मेरे बेटे की शादी नहीं हुई मेरी, मैं तो राजा महाराज से शादी करूंगा। बोले किसको साथ में? बोले शिशुपाल को साथ में शादी करूंगा। जब रुक्मिणी को पता चला मेरी शादी, लेकिन इनके पिता क्या चाहते थे, मैं अपना सुंदरी बेटी को हैं सिर्फ कृष्ण को दूंगा, क्योंकि सुना था कृष्ण भगवान है हैं। इसलिए लेकिन भैया क्या कहते रुक्मिणी के, आप देखना घर में पिता माता की बात नहीं चलता, बड़े भाई का बात चलता है। इतने में उन्होंने जब ये बात को रुक्मिणी को पता चली, उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और सुंदर एक पीली पत्र लिख करके भगवान के पास में भेज दिया। भगवान जब ये पीली पत्र को देखे, ये पीली पत्र को देख करके वो समझ गए भैया ये कोई प्रेम का पत्र है। कृष्ण जब वो पत्र को खोल करके पढ़े, उसमें इतना सुंदर शरणागति थी जिसको सुन करके भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। देखो उसमें क्या लिखा हुआ, अभी कृष्ण रुक्मिणी को नहीं देखा, रुक्मिणी कृष्ण को नहीं, दोनों दोनों को देखे नहीं, लेकिन केवल कृष्ण रुक्मिणी के पत्र पढ़ देते सब खुद खुश हो गए। पत्र में क्या लिखा हुआ उसको ध्यान देकर सुनो, कहते हे प्रभु जगत में भुवन सुंदर अगर कोई हो, केवल आप ही जगत का प्रभु हो, जगत में सबसे सुंदर एक वही हो। इसलिए इसलिए अपना पति, पति मतलब क्या है, प मतलब होता है हमें जो पालन करे, और ती मतलब जो संसार से जो हमें त्राण करे। हमें पालन करने वाले कौन है, पालनहार भगवान, और उद्धार करने वाले कौन, ठाकुर जी। इसलिए हे प्रभु जगतपति जगन्नाथ आप हो, इसलिए आपकी कथा सुन सुन करके मेरे दिल में आप बैठी गए हो, मैं शादी करूंगी तो आपको ही शादी करूंगी। इसलिए हे प्रभु आप सिंह हो, ये जो राजा है ना सो सियाल है, अगर सिंह का जो हिस्सा को अगर कोई सियार ले लिया ना क्या होगा, वो सिंह का ही बदनामी है। अगर जब तक मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाऊंगी तब तक ये शरीर छोड़ते रहूंगी, लेकिन किसी सियार को मैं ग्रहण नहीं कर सकती। हे प्रभु भगवान का शरीर कैसे सत चित आनंदमय, कहते जगत में पति केवल आप ही पति बनने का लायक, जगत में कोई पति नहीं बन सकते। अहंकार करना हम पति है, ये रुक्मिणी कहती है पति कोई नहीं बन सकते, पति तो केवल कृष्ण ही है। कहते ना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। पता नहीं कितना बार हमने मांग भरी, कितना बार सिंदूर भरी, हर जीवन में सिंदूर मिट जाती है, मांग मिट जाती है, शंका टूट जाती है हर जीवन में। क्यों? ये रुक्मिणी कहती है हम जिसको पति कहते हैं वो टाटी पेशाब थाली एक पुरुष को हम पति कहते हैं, लेकिन पति ये नहीं। पति तो केवल ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरियो गोपाल जो सो जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर को, कौन श्याम सुंदर को दुल्हन कोई हाथ नहीं उठाए, ये नहीं चाहते हैं आप कन्हैया की दुल्हन बने हैं। अगर जब तक उनकी दुल्हन नहीं बनोगे ना तब तक मरते रहोगे, शरीर छोड़ते रहोगे, कभी पुरुष बनोगे कभी स्त्री बनोगे, पेड़ पौधे भर के घूमते रहोगे। लेकिन जब उनको पति रूप में मिल गया ना, जन्म मृत्यु तुम्हारी खत्म हो जाएगी। खैर उन्होंने ऐसे पत्र को लिखे, भगवान कृष्ण आए और आकर के उन्होंने ये भी लिख दिया। क्या लिख दिया? बोले हे प्रभु मेरे को उद्धार कैसे करो, हमारी एक रीति रिवाज। क्या रीति रिवाज? शादी होने से पहले जो लड़की घर से बाहर जाती है माता जी को पूजा करने के लिए, जब मैं माता जी की पूजा करने के लिए जाऊंगी उसी समय आप अपना पराक्रम को दिखा करके मेरे उद्धार करना। इतने में कृष्ण स्वयं आ गए, और इतने में और
रुक्मिणी अपना सहेलियों को लेकर कहाँ गई? गई अपना देवी की पूजा करने के लिए गई। वहां पर शंकर पार्वती प्रकट हुए और वेद मंत्र में अंदर में ही उनको शादी करवा दिया। लेकिन ये बात इसको पता नहीं चला, ये बात इसको पता नहीं चला। इतने में रुक्मिणी जब आई ना, रुक्मिणी कौन है? ये जगत जननी जगदम्बा है, ये माँ स्वयं जगदम्बा जगत जननी लगती है। वो इतने सुंदरी रुक्मिणी थी, अपना घूंघट ओढ़ कर रखती। जब उसने अपना घूंघट को निकाली, इतने सुंदरी रुक्मिणी थी, इतने सुंदरी, वहां पर जितने सैन्य सामंत पहले से घिरे हुए थे, उन्होंने घूंघट उठाते ही उनकी रूप देख कर सबके सब बेहोश हो गए। इतने में कृष्ण बीच में प्रकट हुए और बीच में प्रकट हो करके बोले, रुक्मिणी आओ बैठो, हाथ को पकड़े रथ में बैठाए। और रुक्मिणी की सहेलियां थी, बोले राम राम मैं तो जा रही हूँ, मैं तो अपना प्रियतम के साथ में जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ। बैठाए और भगवान उसको लेकर चले गए। जब चले गए इधर क्या हुआ, जितने वहां पर सैन्य सामंत राजा लोग घोष आया, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ गई? बोले जिसका था उसने ले गया। बोले ले गया कहाँ ले गए, कहाँ ले गए? अभी सारे कृष्ण को पीछे लगे। इतने में बलदेव प्रभु आगे, बोले कन्हैया कोई चिंता मत कर, रुक्मिणी लेकर पूजा मैं इनको निपट लेता हूँ। उन्होंने अपना हाल मसल को निकाले, ऐसे युद्ध करना शुरू किया, हाथ पांव तोड़े, वहां भगदड़ मच गया, सबको उन्होंने भगा दिया। फिर कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका में जाते ही, और द्वारका में बड़े धूमधाम से कृष्ण रुक्मिणी की शादी होती है। अभी माला बोला रुक्मिणी रामायण भगवान की। अभी देखो ठाकुर का शादी होगा, किसकी शादी है? भगवान की शादी में जो एक बार नाचेगा ना, उसको 84 लाख जन्म में नाचना बंद हो जाएगा। अभी ठाकुर जी शादी है, सबके सब खड़े होकर एक बार नाच लेना, ठीक है? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी कहन चोरी जो कब मुंडा छूटे, ऐसी कहन चोरी जो कब मुंडा छूटे, ऐसा